Yes, I think we are all set. Without wasting time, I request Ashutosh sir to begin today's session day 2, 12:30 p.m. And over to you, Ashutosh sir. Am I audible, ma'am? Hello? Yes, sir, you are audible. Okay. Actually, काल दोन तीन वेळा आपलं डिस्कनेक्ट झालं, त्यामुळे आज मी मोबाईल ला कनेक्ट केलंय. काल लॅपटॉप लोक होत, सो होप की आज होणार नाही तसं. हो सर, मेबी नाही होणार आज. हा ठीक आहे. तर आजचं सेशन आपण सुरू करूया. आजचा सेकंड डे आहे आपल्या सेशनचा. आणि काल जाताना मी सांगितलं होतं की जर कोणाला प्रश्न असतील तर प्लीज विचारा. तर आय रिक्वेस्ट की जर कालच्या सेशन नंतर आणखी कोणाला काही प्रश्न असतील तर ते परत करू आणि मग त्यानंतर पुढे जाऊया. इज आशुतोष सर्स व्हॉइस ऑडिबल टू यू ऑल? Can you hear him clearly? Yes, ma'am. Clearly? Okay. Yes. Students, do you have any questions as sir is asking? क्या आपके कुछ सवाल है या हम लोग सेशन शुरू कर सकते हैं? मैडम विचार आहे सर थोड़ा सा. ओके मैम मला पण सर काल आपण दुदंडी शिवराई बद्दल आपण चर्चा केली होती. तर मग त्या दुदंडी शिवराई सोबत खडकू आणि व्याघ्रांबरी हे सुद्धा नाणी होती का? व्याघ्रांबरी हे नाणं होतं का? त्याबद्दल थोडं विचारायचं होतं. खडकू व्याघ्रांबरी हा जो आहे तो व्याघ्रांबरी हे एका पैशाचं नाव आहे. तो म्हणजे साधारणत जर आपण पाहिलं तर त्याचा जर आकार पाहिला आता माझ्याकडे ते असेल. जर एक मिनिटात मला सापडलं तर मी तुम्हाला ते दाखवतो. व्याघ्रांबरी पैसा नेमका म्हणतात व्याघ्रांबरी पैसा कोणता असतो? इलिजपूर जे आहे ना, जे आजचं अचलपूर आहे विदर्भामध्ये, तर इलिजपूरला ज्या पद्धतीची नाणी पाडल्या जायची तर त्या नाण्यांवरती वाघाचं चित्र यायचं, तर त्यामुळे त्या पैशांना व्याघ्रांबरी पैसा म्हटलं गेलेलं. आणि म्हणून व्याघ्रांबरी पैसे काही वेळेस त्यांनाच होते, म्हणजे 18th सेंचुरीमध्ये 19th सेंचुरीमध्ये त्या भागामध्ये. पण नेमका त्याचा प्रॉब्लेम एक असा आहे व्याघ्रांबरी पैशाचा की नेमकी ही व्याघ्रांबरी पैसे ही नाणी नेमकी पाडली कुणी किंवा टांगसळीत कुणी केलं याबद्दल आपल्याकडे काहीच पुरावा नाहीये किंवा काही डॉक्युमेंट सुद्धा नाहीये. त्याचं महत्वाचं कारण आहे की या व्याघ्रांबरी पैशांवरती आपल्याला फक्त आणि फक्त जर्ब इलिजपूर एवढंच काय ते लिहून मिळतं. मी एक काम करतो, मी एक मिनिट व्हिडिओ स्टॉप करतो आणि तुम्हाला ते नाणं दाखवतो. ओके एकच मिनिट फक्त, मला ते नाणं इथं सापडेल कुठेतरी, कारण की माझ्याकडे इथं आजूबाजूला सगळीकडे नाणीच असतात. तर मी एक मिनिट तुम्हाला शोधून दाखवतो, म्हणजे तुमचे ते डाऊट क्लिअर होतील. हा आणि दुसरं तुम्ही विचारलं की खडकू ना, तर खडकू हे जे नाणं होतं, खडकू हे तांब्याच्या पैशाला खडकू म्हणायचे. म्हणजे आजही जर आपण गावाकडे जा तुम्ही सहज आणि विचारण्याचा प्रयत्न करा की पूर्वीच्या काळात कोणती नाणी होती, तर ते तुम्हाला सांगतील की आमच्या काळामध्ये खडकू चलनात होता. ओके सो तांब्याच्या नाण्याला जे आहे खडकू नाव होतं. ओके व्याघ्रांबरी पैसा जो तुम्ही विचारला ना, तर हा माझ्या हातामध्ये जो आता दिसतो आहे व्याघ्रांबरी पैसा, यावर तुम्ही बघितलं मी तुम्हाला आणखी क्लिअर करून दाखवण्याचा प्रयत्न करतो. एक मिनिट आहे सर दिसत नाहीये. ओके हॅलो. हो सर दिसत नाहीये तुमचा आणि आवाज थोडासा किंचितसा ब्रेक होतोय. हॅलो
All students, mute your mic. Students, please keep your mics off. There's some network issue at sir's end. He will join us soon. Till then, just be patient. हो सर हेलो आप प्लीज कन्फर्म करा आता है तो आवाज आणि व्हिडिओ ओके आहे हो हो आवाज येतोय व्यवस्थित नाना दाखवत होता तुम्ही हा नाना दाखवत होतो ओके तर ते पुन्हा एक वेळ दाखवतो सर म्हणजे आज आपल्याकडे एवढा वेळ नाहीये पण तरी सुद्धा ठीक आहे आता तुम्हाला प्रश्न पडला तर ते दाखवून देतो या ठिकाणी बघा हे आता दिसतंय प्रॉपर हा व्याघ्रांबरी कविता आहे तर यावरती जे आहे आपल्याला सिंह दिसतो लेफ्ट कडे चेहरा आहे त्याचा आणि वर आपल्याला शेपटी दिसते आणि मागच्या बाजूनी जर्ब इलिशपूर असं त्यावरती लिहिलेलं असतं तर असं साधारणतः आहे नाना असतं जे तुम्ही व्याघ्रांबरी पैसा बद्दल विचारलं तर हा आहे व्याघ्रांबरी पैसा ओके आणखी कुणाला काय प्रश्न सर आणि आताच आपण जे चर्चा केली खडकू बद्दल तर ह्या खडकूचे म्हणजे अनेक प्रकार होते का कारण आपण आम्ही ज्यावेळेस मागे चर्चा केली होती तर खडकूला मध्ये असं भोक असायचं तर आम्ही गुगलवरती सर्च केलं त्याच्यामध्ये गोल भोकाचे आम्हाला खडकू मिळाले आणि काही काही ठिकाणी मात्र चौकोनी भोकाचे असलेले सुद्धा खडकू असतात असं आम्ही ऐकलं होतं तर हे असे आहेत का त्याबद्दल की आपण ज्यावेळी खडकू वगैरे हे शब्द वापरतो तर हे कशासाठी वापरले जातात ते आधी समजणं गरजेचं आहे कमीत कमी मूल्याचं तांब्याचं नाणं जे आहे त्याच्यासाठी आपण खडकू हा शब्द वापरतो ओके किंवा त्याला खुर्दा म्हणतो कमीत कमी याचा आणि तुम्ही जो भोकाचा जो पैसा तुम्ही आता उल्लेख केला तर तो आहे पाईस इट वॉज मिंटेड बाय जॉर्ज सिक्स्थ किंग एम्परर आणि तुम्ही आता हे सर्च करा एक पाईस असं जर तुम्ही सर्च केला ना तोही माझ्याकडे असेल तोही दाखवतो मी तुम्हाला एका मिनिटात हा आता तुम्ही जो याचा उल्लेख केला ना तो हा आहे ओके असा पाईस असतो तो आणि यावरती जॉर्ज सिक्स किंग एम्परर इंडिया असं लिहिलेलं असतं वन पाईस इंडिया आणि त्याखाली डेट असते 1941-42 त्या पद्धतीची आणि हे बघा आणखी हा एक छोटा एक आहे त्यामध्ये ज्याला आपण पाईस म्हणतो पण हा जो आहे हा हैदराबाद स्टेटचा आहे निजाम आणि हा जो आहे हा ब्रिटिश इंडियाचा आहे ओके तो हा त्यामध्ये फरक आहे नंतर या पद्धतीची ती नाणी होती आणखी कोणाला काय प्रश्न सर वेगवेगळ्या लिपींचा कसा उपयोग होऊ शकतो न्यूमिस्मॅटिक्स मध्ये बरोबर तुम्ही काल विचारला होता प्रश्न सॉरी कारण मी काल मुद्दाम तिथे उत्तर दिलं त्याचं कारण हे की आज इथं दिलं तर ते बऱ्याच जणांना उपयोगी ठरू शकतं म्हणून मी काल देणं टाळलं तर लिपी जे आहे त्याचा आपल्या नाणकशास्त्रामध्ये न्यूमिस्मॅटिक्स मध्ये खूप जास्त उपयोग आहे आणि त्याचं जर उदाहरण जर द्यायचं झालं तर काल आपण काही नाणी पाहिली की ज्या नाण्यांवरती वेगवेगळ्या लिपी अंकित होत्या त्यामध्ये तुम्हाला अगदी ब्राह्मी दिसते खरोष्टी दिसते उर्दू दिसते मोडी काही नाण्यांवरती आहे पण मोडी काही फारशा नाण्यांवरती नाही त्यामुळे मोडीचा नाणी वाचण्यासाठी फारसा उपयोग होतो अशातला काही भाग नाही पण मोडीचा जो आहे तो डॉक्युमेंट वाचण्यामध्ये खूप जास्त हेल्प झालेली आहे आणि होतीये मोडीची डॉक्युमेंट वाचण्यामध्ये आता त्यानंतर राहिला प्रश्न इतर लिपींचा जसं की शारदा लिपी आहे तर शारदा लिपी सुद्धा आपल्याला काही नाण्यांवरती मिळते बरं का बघायला ज्यावरती अरबी सुद्धा आपल्या नाण्यांवरती मिळते फारसी सुद्धा मिळते तर 100% या नाण्यांचा जो आहे आपल्याला या लिपींचा जो आहे आपला नाणी वाचण्यासाठी उपयोग होतो त्यामुळे जास्तीत जास्त लिपी शिकण्याचा प्रयत्न करा तुम्ही जेवढ्या जास्त लिपी शिकाल तेवढं तुम्ही नाण्यांमध्ये परफेक्शन जे आहे ते मिळवू शकता कारण ते परफेक्शन एक वेळ तुम्हाला मिळालं लिपींवरती तुम्हाला एक वेळ तुमचा हात बसला ना की त्यानंतर तुम्ही कुठलीही नाणी वाचू शकता ऍक्च्युली असं झालेलं आहे आज की मी असेही काही लोक पाहिलेत की ज्यांनी लिपीवरती PhD केलेली आहे आणि त्यांना जर सांगितलं की हे नाणं वाचून दाखवा तर वाचता येत नाही अशीही परिस्थिती आहे तर त्यामुळे आपण जास्तीत जास्त अभ्यासपूर्वक कुठलीही गोष्ट मांडणं हे फार जास्त महत्वाचं आहे आणि कुठलीही गोष्ट मांडताना आपण ती
किती म्हणजे आपल्या आपल्या स्वतःवरती आपल्याला विश्वास किती आहे हेही फार जास्त महत्वाचं आहे. कारण तुम्ही एखादं नाणं वाचता, काल मी तुम्हाला काही नाणी दाखवली की ज्यावरती डिझाईन केलेलं होतं मी, तर आता मी ते कसं केलं तर त्यावरती मला ते रिस्क आहे ना थोडी, कारण की त्यावरती आपल्याला सेकंड साईड दिसत नाहीये. पण तरी सुद्धा मी ती जी नाणी आहे ती डिझाईन करतोय, आणि मग ते कशाच्या बेसवर करतोय, तर त्याच्यामध्ये निरीक्षणाचा बेस आहे, त्याच्यामध्ये तुमच्या स्टडीचा बेस आहे. हे सगळं ज्यावेळी तुम्ही कराल त्याच वेळी तुम्ही जी आहे ही नाणी चांगल्या पद्धतीने वाचू शकता किंवा त्याचं अभ्यास करून ते मांडू शकता. त्यामुळे लिपींचा उपयोग 100% होतो. जास्तीत जास्त लिपी शिकण्याचा प्रयत्न करा. आणखी कोणाला काय प्रश्न? Any questions? Otherwise, we will request sir to proceed with the today's session. Yes, yes. Sir, yesterday you could not show us the historical overview of the coins. Like, if you could show them in today's session, is it possible? Just to give a quick overview. हाँ, अपन try करूँगा. अपन आधी जो basic जो second part जो है अपना legends असली shape असल वेट असेल आपण आधी हे कव्हर करूया मला वाटतं. कारण की जे हिस्टोरिकल ओव्हरव्ह्यू आहे तो तुम्हाला कुठल्याही ठिकाणी वाचायला मिळून जाईल. वाटलं तर मी एखादा आर्टिकल शेअर करून देईल तुमच्या सोबत नंतर. जे तुम्ही द इमेजेस दॅट यू आर शोइंग नो सो दॅट दे विल गेट सम कॉइन्स इन फ्रंट ऑफ देम लाइक यू नो. आपण 5 मिनिटांमध्ये जे आहे त्याचा ओव्हरव्ह्यू. येस येस अ क्विक ओव्हरव्ह्यू. येस येस प्लीज सर. Ashutosh sir, students are requesting that if you could talk to them in Hindi in between, you know, there are some students who are not able to understand Marathi. Bilkul, bilkul. Yeah. No, problem hai ki tyanni Marathi prashna vicharla manu. No, it's okay. So absolutely fine. Yeah. Okay, can you see my PPT? ठीक आहे. The last part which we could not take because we were running out of time yesterday. Okay. So we were talking about this early coinage in India history. So I will show you coins quickly. These are we can call कुछ टुकड़े हैं सिल्वर के जो बिजनौर में मिले थे इन और ऐसा माना गया है कि ये probably 6th century BC के हो सकते हैं जिसे हम primitive money बोल ये गांधार जनपद का बेंड बार है. आप सब देख पा रहे हैं ना, एक बार कंफर्म कीजिए. यस सर द स्लाइड्स आर क्वाइट विजिबल. यस सर. ओके ठीक दिस तो है सर. दिस गांधार जनपद का बेंड बार है. ये जनपद के जिनको हम पंचमार कॉइंस बोलते हैं. आज हम ये सारा जानने वाले कॉइंस कैसे मिंट होते थे वगैरह वगैरह सब कुछ. अगेन these are some coins of Indo-Greek ruler. Again, Plato. You can Greek and both and Kharosthi legend on the reverse side. Okay, as you are aware of Kharosthi now, you can if you are aware. Ye kuch tribal janpadas ke coins hai. Amogbhuti, King Amogbhuti and Kuninda Silver Drachm. Again, ye Audumbar ka hai.
महादेव किंग ये किंग का अफगुस्तान और यू कैन सी देयर गॉडेस मोनोबागो ऑन द अर्थ and this is a Satvana coin again this coin for Gautami Putra Satkarni do anyone seen this coin before anyone sir your voice is not clear now is it clear Yes, sir. Okay, okay. Anyone have seen this coin before, which I am showing now? Gautami Putra Satkarni. Okay, I will tell you the story of this coin. In short, actually, ये coin है नहपान राजा का. नहपान कौन सा कल हमने नहपान देखा है? नहपान का coin कैसा था? और आज भी देखने वाले हैं आगे. तो ये नहपान का कॉइन था पर इन द 1878 क्या हुआ कि नहपान और गौतम पुत्र सातकर्णी का युद्ध हुआ नासिक के पास जो गोवर्धन नाम की जो जगह है वहां पे तो उसके बाद जब उनका युद्ध हुआ तो युद्ध होने के बाद उनके गौतम पुत्र जो है वो जीत गया तो उसके जीतने के बाद गौतम पुत्र ने एक किया उसके सारे सिक्के जो है नहपान के वो कलेक्ट किए और उन पर खुद का जो सिंबल है या हम बोल सकते हैं उसके जो मार्किंग्स है उसका नाम हो या फिर उसका लेजेंड हो वो सारा ओवरस्ट्रक किया तो दिस इज ओवरस्ट्रक कॉइन ऑफ नहपान बाय गौतम पुत्र सातकर्णी और एडी 78 से ही जब उस युद्ध में नहपान मारा गया था गौतम पुत्र के हाथ से तो उसके बाद फिर आज हम शालिवान शक जो यूज करते हैं तो उसका ये बहुत बड़ा पुरावा हम इसको बोल सकते हैं दिस इज एविडेंस ऑफ इट ओके सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉइन I personally have 3 to 4 pieces of this coin in my personal collection. This is very interesting coin. You can see 3 Ash Hill on the obverse. Okay. This is 3 Ash Hill and the legend around it is Rajnyo Gautami Putra Siri Satakani sir. And on the reverse you can see the Ujjain symbol with the half circle above it. This is the Gautami Putra Satakani. Satvahana King. This is a coin of Shivastri Purumavi of Satvahanas. And you can read the legend Rajnu Vasisi Putra Purumavi on the upward. Okay. Again, this is a coin of Western Kshatrap Nahapan on which Gautami Putra had the overstruck, which coin was overstruck by Gautami Putra. This is the original coin. On the obverse, you can see the bust of the king and the Greek legend around. On the reverse. Again, this is silver coin of Samudra. Hello. Sir, just 1 minute, sir. Just 1 minute. Aman and Shiva, mute your mic. Yes. Aman and voice Shiva, mute your mic. Vignesh. Voice is not coming. सर तुमचा आवाज ना खूप खरखरत येतो बरं नाही आवाज आ रहा है हो नाही मॅम यहाँ थोड़ा नेटवर्क इशू है शायद सर यहाँ तो बिल्कुल नहीं आ रहा है मरुनी आई एम जस्ट फील सर नो मैम नो वॉइस इज नॉट कमिंग हेमा मैम यानी आवाज आ रहा है थोड़ा कम है आवाज आ रहा है आप अपने वॉइस हां सर बहुत माइल्ड है इफ यू कुड डू वॉइस मॉड्यूलेशन प्लीज आशुतोष सर मेरे साइड से ओके ना हां आशुतोष सर बोलिए सर यस सर आप अपनी डिवाइस का थोड़ा सा आवाज मतलब वॉल्यूम का बटन एक बार बढ़ा दीजिए फुल एक्चुअली इट इज फुल बट आई विल चेक वन जस्ट वंस जस्ट चेक सर ओके कैन यू हियर नाउ This is now better, very good. Okay, then. Okay, now very good. Sir. It was problem. Okay. So we'll continue now. Yeah.
So this is coin. This is coin of Vishnukundin Empire. Vishnukundin was empire. बट इट वॉज इम्पोर्टेंट कृष्णा खोरे हम जिसको बोलते हैं तो उसके एरियाज में ये था कृष्णा नदी के दोनों साइड में ये एम्पायर फैला हुआ था तब तो आप यहाँ पे जो है लायन देख सकते हैं ऑन द ऑब्वर्स एंड शंख ऑन द अदर साइड ऑफ द कॉइन ओके देन अगेन दिस इज कॉइन ऑफ किंग रामचंद्र देव ऑफ यादवा जो देवगिरी के जो यादव थे हमें पता है उनके बारे में कुछ तो देवगिरी के यादवाज का ये कॉइन है जिसे हम पद्मटंक टाइप बोलते हैं ये पद्मटंक टाइप ही था तो ये भी एक इम्पोर्टेंट कॉइन है अब मेरा आवाज क्लियर आ रहा है ना यस सर अभी ठीक है अभी ठीक है ओके तो ये पद्मटंक टाइप का कॉइन था जो रामचंद्र देव यादवा ने मिंट किया था ये भी हम देखेंगे आगे ये कॉइन कैसे मिंट होते हैं ये कृष्णदेव राय का कॉइन है विजयनगर एम्पायर गोल्ड पैगोडा जिसको हम बोलते हैं या गद्यान भी बोल सकते हैं अर्लियर जो है 7th-8th century से 9th century से इन गोल्ड कॉइन्स को गद्यान इस नाम से जाना जाता था पर आगे आगे इनको पैगोडा बोला गया और फिर होन भी बोला गया होनु से होन ये ऐसा इसकी उत्पत्ति हम बोलते हैं ऐसी हुई है Then again, this is the coin of King Alauddin Khilji. We all know Alauddin Khilji. He is very famous man. So this is his coin. And interestingly, on this coin, we can read Sikandar Asani. Sikandar, वो खुद को दूसरा सिकंदर मानता था. Okay, so this is very interesting thing. कि ये लोगों के पास, इनके पास से बहुत सा सीखने के लिए है कि उसने क्या किया है छोड़ दो. पर उनकी जो हम देख सकते हैं कि दूरदृष्टि जो हम मराठी में बोलते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट वो खुद को सिकंदर अल सानी दूसरा सिकंदर मानता था हार रखता था कि मैं सारा जीत लूंगा पर ठीक है जो हुआ वो इतिहास है अगेन दिस इज कॉइन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक दिस इज वेरी फेमस कॉल हिम मराठी वेरियस इज इट तो क्यों बोले इसकी एक स्टोरी है आई थिंक ये स्टोरी पता होगी क्या मुझे कोई बोल सकता है कि आपने कहाँ पे पढ़ा है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सर मोहम्मद बिन तुगलक वाज फेमस फॉर हिज करेंसी रिफॉर्म्स व्हिच वर अ टोटल फेलियर हाँ व्हाई इट वाज फेलियर कैन यू टेल तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग बात ये उनके कॉइन से उन्होंने स्टार्ट तो किया मिंटना जो है और उसके बाद उन्होंने सोचा कि आज हम एक एक बात करेंगे कि जो हमारे गोल्ड कॉइन्स है और सिल्वर कॉइन्स बंद और इनके हम और ब्रास के कॉइन जो है वो इनकी वैल्यू से चलाएंगे तो दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि तब उन्होंने ये सोचा था कि ऐसा कुछ हम कर सकते हैं पर बाद में फेलियर हुई बात अलग है कि वो बाद में चला नहीं लोगों को जो है
the medium period was very easy to mint coins because उनकी जो अब तुगलक के बारे में जब बात करेंगे तो उनकी जो फेस वैल्यू थी तो फेस वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई थी इंटरनल वैल्यू करना शुरू किया जैसे मैंने कहा के बाद या वर्ल्ड वॉर सेकंड की से उसकी जो वैल्यू है इंटरनल वैल्यू वो बढ़ गई थी ओके okay. तो उसकी एक्सटर्नल वैल्यू जो है वो कम हो गई थी तो उसकी वजह से लोगों ने वो एक्सेप्ट नहीं किया और एक्सेप्ट ना करने की वजह से वो जो है वो एक फेलियर रहा ऐसा हम उसको बोल सकते हैं कि तुगलक के जो सिक्के थे उन्होंने जो शुरू किए थे इट वाज लोगों ने वो अपने घर में ही मिंट करना शुरू कर दिया था और सिक्के इतने ज्यादा हो गए थे कि कौन से सिक्के ओरिजिनल है और कौन से डुप्लीकेट है ये ही जानना बहुत ही मुश्किल हो गया तो ये प्रॉब्लम था उसका कि क्यों तुगलक के सिक्कों का फेलियर रहा ओके सो नेक्स्ट हम देखेंगे अभी जस्ट गिव मी कनेक्टिंग फ्रॉम माय लैपटॉप सो इट विल बी बेटर ओके यस कंटिन्यू प्लीज कंटिन्यू सर यस हाँ हाँ अब ठीक है सर यस इट वुड बेटर ओके ओके हाँ हाँ तो अब आप सिर्फ मुझे एक बार होस्ट कर दीजिए तो फिर मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ डन सर ओके ठीक है थैंक यू हाँ तो हम फर्स्ट डे के बारे में बात कर रहे थे सो आई हैव टू जस्ट अ मिनट ओके तो ये 5 अप्रैल की पीपीटी और हम आ गए थे मोहम्मद बिन तुगलक तक तो तुगलक का बहुत ही वो एक्चुअली बड़ा है तो ऐसे ये 2 मिनट में 3 मिनट में तो खत्म नहीं होने वाला ये बाबर का कॉइन है दिस इज शाहरुखी कॉइन ऑफ बाबर और इसका भी एक हिस्ट्री है अलग इसकी बात ये है कि बाबर ने ये जो अर्ली सल्तनत जो कॉइन्स है और जिसको हम बोलते हैं मुस्लिम स्टेट्स के जो कॉइन है तो ये कॉइन जो है ये Ashutosh sir, the coins are not visible in the slide, but I can see here is die struck technique. Is it okay now? No. Just a minute. I will share screen once again. Yes, sir. Now is it okay? Oh yes. Okay. Yes, sir. Fine. बाबर ने ये शाहरुख की टाइप के कॉइन शुरू किए थे एक्चुअली देयर वाज वन किंग बाय द नेम शाहरुख एंड फ्रॉम हिज नेम दिस कॉइंस आर कॉल्ड एज शाहरुखी कॉइंस ओके सो दिस कॉइंस वेर अगेन कॉइन ऑफ अकबर
and this is Jalaluddin Muhammad Akbar is likha hai, and this is silver rupee from the mint of Agra. Again, this is coin of Jahangir, Badshah Jahangir. और ये जो कॉइन है ये सलीम के नाम से उन्होंने जो मिंट किए हैं, कितनों हैं उनके मतलब जहांगीर नाम से भी, उसके बाद सलीम नाम से भी है, और उनकी जो बीवी थी नूर जहान उनके नाम से भी उनके कॉइन्स है. दिस इज कॉइन ऑफ शाहजहान एंड दिस वॉज मिंटेड फ्रॉम द मिंट सूरत. ओके, दिस इज वेरी ब्यूटिफुल मोहर ऑफ द शाहजहान. अगेन दिस इज कॉइन ऑफ औरंगजेब फ्रॉम द औरंगाबाद मिंट. Here above, you can see my cursor. Here it is written Aurangabad. Okay, so this is mint name, and this is Zar, and this is Bur. This is Zar, and this is Bur. And this is Manus, Maimanat, Julus, Sanah 19, and Sikha, Dar Jahan, Chu, Badr, Munir, Shah, Aurangzeb, Alamgir, 1082. So, aisa, jo hai, 1086, sorry. So, is pe aisa likha hua rehta hai, Mughal coins pe. Again, this is coin of Shivaji. As we all know, then this is Guhu Chhatrapati Shivaji Maharaj. Then this is a coin of Sambhaji Maharaj, copper paisa. And this is coin of Rajaram Maharaj, who was second son of Chhatrapati Shivaji Maharaj. Then this is a Maratha coin from Pune Mint, the name of Shagohar King. And this is in Devanagari 1238. And these are coins of British. One mohar and one rupee, two mohar. You can see this symbol. ये जो symbol है, ये हमने हमारी जो State Bank of India है, तो उसका भी symbol ऐसा ही है. बस इसमें फर्क इतना है कि यहाँ पे की जगह tiger वहाँ पे लिया गया है. तो ये जो ये खजूर का पेड़. Okay, so this is a symbol. This is very important and it is interesting coin. ये British India का again Victoria Empresses. तो ये क्वीन का कॉइन है, वन रुपी एंड वन मोहर. अगेन दिस इज एडवर्ड सेवंथ, क्वार्टर आना एंड वन रुपी. दिस इज जॉर्ज फिफ्थ किंग, जॉर्ज सिक्स्थ किंग, एंड दिस इज ओवर. तो ये कल हमें पूरा कवर अप करना था. एक्चुअली इट वाज वेरी हार्ड टू कवर ऑल दीज थिंग्स. सो लेट्स स्टार्ट विथ टूडेज टॉपिक. ओके, सो आज का भी है, आज का भी हमारा बहुत बड़ा है, इसलिए हमें जल्दी से कवर अप करना है वो. ओके, सो टेल्स कॉइंस टेल. आज का दूसरा दिन है हमारा. तो कल हमने देखा कलेक्शन ऑफ कॉइंस एंड ऑक्शन के बारे में सब कुछ जाना. कलेक्शन कैसे रहता है, कैसे किया जाता है, कलेक्शन मतलब क्या होता है, न्यूमिस्मैटिक्स का मतलब क्या होता है, ऑक्शन किस तरीके से होते हैं, आप कॉइन कैसे बेच सकते हैं, कैसे खरीदने हैं, ये सारा हमने जाना. उसके बाद इन शॉर्ट में हमने कॉइंस एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री कैसे हेल्प करते हैं ये भी हमने जाना. और बाकी के जो चार पॉइंट्स थे ये सारा हमारा जानना कल रह गया था, तो इसलिए हमने ये शॉर्ट में पूरा देख लिया. तो आज के टॉपिक पे आते हैं. आज हम स्टार्ट करेंगे शेप ऑफ कॉइन से. तो आप में से कितने लोगों को लगता है कि कॉइन का शेप मायने रखती है? कोई बता सकता है? और अगर मायने रखता है तो क्यों? Can anyone? ओळख पटण्यासाठी सर. हा बोला. कॉइनची ओळख पटण्यासाठी मायने ठेवतो. ओके ओके. सर, अर्ली कॉइन्स आर क्वाइट क्रूड एंड अनरिफाइंड कॉइन्स. ग्रेजुअली वी सी द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन इन द कॉइन्स ऑल्सो. So that goes to show the development in different periods of history. Okay. नहीं, पर सवाल ये है कि coins का shape कितना मायने रखता है coin के लिए? कुछ मायने रखता है या नहीं मायने रखता है? Definitely, sir, it matters. Anyone? The shape, the refinement. Okay. So ठीक है. तो जब हम बात करते हैं ancient coins के बारे में, तो हमें पता चलेगी कॉइन का शेप मायने नहीं रखता. क्यों मायने नहीं रखता? अगर शेप मायने नहीं रखता तो क्या मायने रखता है? इम्पोर्टेंट ये है कि उसका वेट जो है वो डिफाइंड होना चाहिए,
उसका वेट मायने रखता है, उसका शेप ओके का वेट परफेक्ट हो, उसका शेप कोई भी हो तो नो प्रॉब्लम। अगर यहाँ पे हम बेंट बार देखेंगे तो ये एक्चुअल शेप का नहीं है, ये इट इज बार ऑफ सिल्वर एंड इट इज मिंट ऑन द फोर्थ साइड वी कैन सी ओके। सो ये जस्ट बेंट बार है, इसका कोई फिक्स साइज नहीं है, इट इज जस्ट बार। हम देखेंगे तो यहाँ पे ये कॉइन है मगध जनपद के, तो ये नीचे का कॉइन राउंड है और ये जो है ये हम देख सकते हैं कि ये तो मतलब नियर अबाउट ये हमें चौकोन ज्यादा तो उस आकार का हम देख सकते हैं। तो इट इज नॉट नेसेसरी, ये दोनों कॉइन्स एक ही में चलते थे, तो इट इज नॉट नेसेसरी और कि उसका जो शेप है वो कोई परफेक्ट ही होना चाहिए। अगर उसका शेप अलग है तो फिर वैल्यू भी अलग होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं था, ये दोनों एक ही वैल्यू के कॉइन्स है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनके सिम्बॉल्स भी जो है वो सार के मतलब सेम ही है, उसमें ज्यादा फर्क नहीं है। अगेन ये तो ये डायरेक्टली ट्रायंगुलर कॉइन हमको दिखेगा, तो ये भी उसी वैल्यू का था जिस वैल्यू में की चलते। तो इट इज नॉट नेसेसरी कॉइन शेप राउंड ही हो या कुछ अलग ही हो, कुछ सेम ही हो की कॉइन से। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट शेप ऑफ कॉइन। लेट्स मूव फॉरवर्ड, ये होगा एंशिएंट इंडिया के बारे में। पर बात यह है कि जब इन्वेजन हुए इंडिया में फॉरेनर्स के, जिनको हम इंडो ग्रीक रूलर्स बोलते हैं या साइथियंस बोलते हैं, उनका जब इन्वेजन हुआ उन्होंने कॉइन्स यहाँ पे लाए और उनके जो कॉइन्स थे वो परफेक्ट शेप के थे, वो या तो राउंड होंगे या तो फिर कुछ अलग शेप होंगे। बात यह है कि हमारे जैसे ऐसे उनके प्रिमिटिव कॉइन्स नहीं थे, वो कॉइन्स बहुत ही ज्यादा वेल डेवलप्ड थे। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कोई भी स्क्रिप्ट नहीं है, वो कोई भी के वो आए तो धीरे धीरे इंडिया कॉइन्स तैयार होना जो है शुरू हो गया था। लेट्स मूव फॉरवर्ड 12th सेंचुरी। तो ये जो फर्स्ट कॉइन है यादव का कॉइन, ही वाज किंग ऑफ देवगिरी, देवगिरी और यादव देवगिरी हमें पता है। तो लगता है कि ये तो देखना पड़ेगा। तो ये कॉइन और यहाँ पे 6 डिफरेंट पंचेस आर यूज्ड टू मिंट दिस कॉइन। कैसे यूज होते थे ये हम मिंटिंग ऑफ कॉइन्स में देखने वाले हैं। पर ये जो है ये बीच में का जो कमल का फूल है ये अलग पंच है, महा हेलो आशुतोष सर, आर यू देयर आशुतोष सर? सरांचा आवाज नाही येत आहे मॅडम, त्यांना परत नेटवर्क कनेक्टिव्हिटीचा इश्यू असेल, 2 मिनिटं वेट करूया, थांबा थोडं येतील सर। आहेत ना सर? आहेत, नाऊ ही इज नाही गेला गेला वेट स्टूडेंट वेट फॉर 2-3 मिनिट्स, सर विल बी जॉइन अगेन।
हेलो हाँ इज इट ओके यस सर सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस हाँ नो नो यू कैन कंटिन्यू ओके तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कॉइन पर्टिकुलर कॉइन तो मुझे बताइए कि आप में से ये कॉइन देखा है या इसके बारे में कुछ जानते हैं I will continue, no problem. So this is a coin of Ali Adil Shah of Bijapur. तो ये जो coin है ये बहुत ही interesting coin है. आप अगर इसे देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये अलग ही shape का है. जैसे pin रहती है अपनी जो हम hair pin जिसे बोलते हैं, तो उस shape का ये coin हमें दिख रहा है. तो इस पर हम देखेंगे कि अली अदिल शाह बादशाह ऐसे लिखा हुआ है. और ये जो है ये इस कॉइन को पर्टिकुलरली लारिन बोलते हैं. ओके तो लारिन इस ये शब्द कैसे हुआ. सो दिस वाज अ कॉइन ऑफ ईरान. ओके ईरान में एक लार नाम का एक प्रदेश है और उस लार नाम के प्रदेश में ऐसी जो कॉइन्स है ये मिंट होते. तो वहां से लार नाम के प्रदेश से इसको लारिन ये नाम जो है फिक्स हुआ और ये लारिन. तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉइन है. इंडिया में एक ही कॉइन मुझे ऐसा देखने को मिला कि जो इतने अलग शेप का है और दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कॉइन. बाकी और भी कुछ है पर ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कॉइन मुझे लगा तो आपके साथ शेयर किया. अगेन ये अलग शेप्स कॉइन्स अकबर के है. ये मेहरबी टाइप का कॉइन है अकबर का. जलालुद्दीन अकबर ये हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं. और जर्ब जो है ये आगरा है और यहाँ पे मंथ का नाम है. ये मेहरबी टाइप का कॉइन है. इस शेप को मेहरब बोलते हैं तो उससे इसका नाम मेहरबी जो है फिक्स हुआ है. अगेन ये जो नीचे का कॉइन है ये है मोहर. तो ये राउंड शेप की है और ये जो है ये दिस इज अ रूपी. ओके सो दिस थ्री ऑल थ्री कॉइन्स आर ऑफ अकबर. ये अकबर के कॉइन्स मतलब राजा एक होने के बाद भी उसने अलग अलग शेप में कॉइन्स मिंट किए हैं. तो इसका कोई ऐसा मतलब फिक्स नहीं रहता है कि इसी शेप में कॉइन्स मिंट करने चाहिए या और कुछ. आप किसी भी शेप में कॉइन्स मिंट कर सकते हैं. बस उसका वेट जो है वो मायने रखता है कि वो ठीक होना चाहिए. और वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि वो कॉइन्स एक्सेसिबल होनी चाहिए इजीली और इजीली यूज के लिए अच्छे होने चाहिए. तो हम देख सकते हैं कि जब हम किसी और शेप के कॉइन्स यूज करते हैं तो इट इज नॉट वेरी इजी टू हैंडल ऑल दिस कॉइन्स. अगर आपने ये देखा तो ये लारिन इट इज नॉट इजी टू हैंडल. ये लोग क्या करते थे ये ईरान का जो कुछ जिस लार जो मैं बात कर रहा हूँ तो वहां पे कुछ लुटेरे वगैरह ज्यादा रहते थे और वहां पे जो है समुद्र किनारी सा प्रदेश जिसे हम बोलते हैं तो वो था. वो तो वहां पे लोग ये कॉइन्स अपने बेल्ट में फिक्स करते थे और भागते थे तो वो कॉइन्स गिरते नहीं थे और उनको वेट भी नहीं लगता था उसका. तो दिस इज द रीजन कि उन्होंने ये कॉइन्स इस जो है आकार में शेप में बनाए थे. तो ये अकबर के कॉइन्स भी हमने देखे जो अलग अलग शेप में है. अगेन दिस इज अगेन डिफरेंट शेप कॉइन्स. ये जो कॉइन है ये रुद्रसिम्हा का. रुद्रसिम्हा वॉज अ किंग ऑफ आसाम. आसाम का जो एक राज्य था तो उसका ये कॉइन है. दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग कॉइन अहोम डायनेस्टी का. तो इस पे इसकी शेप जो है वो अलग है. एट कॉर्नर ये कॉइन हमें दिख सकता है. वेरी इंटरेस्टिंग कॉइन दिस इज. क्योंकि मुझे तो एक ही कॉइन अब तक दिखा कि जो एट कॉर्नर शेप में जो है वो मिंट किया गया हो. बाकी तो कॉइन फिर रेगुलर ही रहते हैं पर ये इंटरेस्टिंग कॉइन है अहोम डायनेस्टी का. अगेन ये जो कॉइन है ये इलिचपुर मिंट का कॉइन है मोहम्मद शाह का. तो इसका अगर आप शेप देखेंगे तो ये शेप अलग है. दिस इज नॉट फुल्ली राउंड ऑल्सो और कुछ अलग शेप का भी नहीं है. तो ये कुछ अलग ही मतलब मीडियवल इंडिया में ऐसा फिक्स नहीं होता था कि शेप कुछ फिक्स ही होना चाहिए. जैसे हम नीचे देख सकते हैं ये टू आनाज हमने देखा तो इसका शेप कैसा फिक्स है. ये पैसा देखा तो इसका शेप फिक्स है पर इसका शेप हमें फिक्स नहीं दिखता क्योंकि मीडियवल इंडिया में शेप के लिए ज्यादा महत्व नहीं था. उसका वेट जो है वो परफेक्ट होना चाहिए. इसके लिए भी महत्व नहीं था कि उस पर कितना लेजेंड आ रहा है. दिस वॉज नॉट ऑल्सो नेसेसरी. नेसेसरी वॉज उसका वेट फिक्स होना चाहिए. बाकी सब ठीक है. बाकी हैंडल हो जाता है पर वेट उसका फिक्स होना चाहिए क्योंकि उसी से उसकी वैल्यू जो है वो फिक्स होती थी. अगेन ये जो है जब हमारे पास
मतलब हम वेल डेवलप्ड हो गए, हम ब्रिटिश इंडिया में आ गए. ब्रिटिश इंडिया में आने के बाद उन्होंने ये कॉइन्स अगर हम देखेंगे, ये 1 आना का कॉइन, 2 आना का कॉइन हम देख रहे हैं ब्रिटिश इंडिया का. दिस आर कॉइन्स ऑफ दिस इज ऑफ जॉर्ज 5th किंग एंड दिस इज ऑफ जॉर्ज 6th किंग एम्परर. ये दोनों उनके कॉइन है, तो हम देख सकते हैं कि ये भी थोड़े अलग शेप के कॉइन है राउंड से. ओके अगर नीचे हम देख सकते हैं, ये भी अच्छा इंटरेस्टिंग है कि मैंने कल कुछ कॉइन्स दिखाए थे जिन पर हम टाइपोलॉजिकल सिमिलैरिटी की बात की थी. तो ये 1 आना हम मतलब ब्रिटिश इंडिया से मुक्त तो हो गए, हम रिपब्लिक इंडिया में तो आ गए, पर हमें उसी आकार का कॉइन प्रिंट करना बहुत ही जरूरी था. तो 1 आना हमने देखा, ये 1 आना है ब्रिटिश इंडिया का और ये 1 आना है रिपब्लिक इंडिया का, पर दोनों का शेप जो है वो सेम हमें दिखेगा. और ये 2 आना फिर भी इन दोनों का भी शेप हमें सेम दिखेगा. उसका एक ही रीजन है, वो एक्सेसिबिलिटी और इजीली लोगों को वो ध्यान में आना चाहिए कि ये 2 आनाज है और ये 1 आनाज है. अगेन ये रिपब्लिक इंडिया के कुछ कॉइन्स है जो अलग अलग शेप में बने हुए हैं, 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा और 20 पैसा. ये अलग अलग शेप के कुछ कॉइन्स. शेप पे कुछ सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं. हे शेप डायरेक्टली राउंड का नाही दिलं, म्हणजे लाईक ते असे पर्टिक्युलरली डिझाईन शेप का दिला? कुठल्या कॉइन बद्दल? 1 आण्याबद्दल. हा 1 आण्याबद्दल. आता त्यामध्ये महत्वाची गोष्ट ही आहे की जो मिंट मास्टर आहे किंवा जी गव्हर्नमेंट आहे ती गव्हर्नमेंट ठरवते की कशा पद्धतीची नाणी मिंट केल्या गेली पाहिजे. त्यामुळे आजही आपल्याकडे 10 रुपयाचा जो आपण त्याला नाणं म्हणतो, 10 रुपयाचं नाणं आपल्याकडे आधी नव्हतं, पण ते नंतर आपण आणलं ते बाय मेटॅलिक आणलं, त्यामध्ये आपल्याला 2 मेटल्स आहेत. ओके सो ते पूर्ण डिपेंड करतं तुमच्या राज्यकर्त्यांवरती की त्यांचा त्याबद्दलचा विचार काय आहे आणि ते त्याच्याबद्दल काय विचार करतात. आणि त्यातल्या त्यात मिंट मध्ये इझिली मिंट कुठले कॉइन्स होतील हेही पाहणं गरजेचं आहे. कारण की मिंट मध्ये मिंट करणं ही काय फार इझी नाहीये, कारण की वेगळ्या शेपचे कॉइन्स आहेत. गोल्ड कॉइन्स मिंट करणं ही इझी गोष्ट आहे, ते सरळ सरळ मिंट होतात पटापट, पण हे कॉइन्स मिंट व्हायला वेळ लागतो. ही थोडी वेगळी पद्धत आहे, तर ते तुमच्या पूर्णपणे राज्यकर्त्यांवरती डिपेंड आहे की त्यांना कशा पद्धतीची नाणी ही मिंट करायची. आणखी काही एनिमोर? ठीक, मूव फॉरवर्ड. नेक्स्ट प्लस आहे तो आहे वेट ऑफ कॉइन्स, नाण्यांचे वजन. ज्यावेळी आपण नाण्यांच्या वजनाबद्दल विचार करतो, तर त्यावेळी आपल्याला प्राचीन भारतापासून विचार करायला पाहिजे. एन्शियंट इंडिया में से हमें सोचना होगा उसके बारे में, कॉइन्स के बारे में, उसके वेट के बारे में. तो एन्शियंट इंडिया में जो ये जो आप ऊपर देख रहे हैं, इसे हम बोलते हैं गुंज. आपने देखी होगी शायद इसका, या गुंजाची वेल असते जी झाडावर चढलेली असते दुसऱ्या, आणि त्याला शेंगा येतात, त्या शेंगांमधून ह्या गुंज निघत असतात. ओके आपल्याकडे शेत वगैरे असेल तर त्यामध्ये बऱ्यापैकी ही गोष्ट सापडतात. तो ये गुंज है जो पहले इन एन्शियंट इंडिया इससे वेट होता था बाकी चीजों का, जो छोटी छोटी होती थी उसका वेट होता था. तो ये पहले यूज होती थी. तो जब हम देखेंगे कि ये बेंट बार कॉइन हम देखेंगे और उसका वेट करते हैं तो वो आता है नियर अबाउट 11 ग्राम्स. तो ये 11 ग्राम्स आने के बाद जब हम सोचते हैं कि ये ऐसा क्यों, तो उसका नाम हमें टेक्स्ट में आता है शतमन. जब हम शतमन पढ़ते हैं हमारे दिल में आता है कि कुछ तो भी 100 के वजन का ये है, कि कोई चीज है जिसका 100 जब हम करेंगे, उसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे या 100 वो चीज लेकर उसका वेट करेंगे तो इसका वेट आएगा. तो ये जो गुंज है, ये गुंज 100 जब हम कर लेते हैं तो प्लस करते हैं तो उसके बाद हमें इसका शतमन का वेट आता है, दैट इज 10.88 ग्राम्स या 10 to 11 ग्राम्स अप्रोक्सीमेटली. तो ये शतमन. तो उसके बाद में उसके कुछ फ्रैक्शन भी हमारे पास है. ये 1/4 शतमन, दिस इज 2.77 ग्राम, दिस इज 1/8 शतमन, दैट इज 1.31 ग्राम, एंड दिस इज 1/16 शतमन, दैट इज 0.43 ग्राम. सो दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग कॉइन्स. हम देख सकते हैं कि एंशियंट इंडिया में भी उस वक्त लोग जैसे हमारे पास अभी 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपया ऐसे है, तो उन लोगों के पास भी वो था एक्सेसिबल होने के लिए, इजीली लोग व्यवहार कर सकते हैं और करना चाहिए उन्होंने, इसके लिए ये सारे मिंट किए गए थे फ्रैक्शंस जो है कॉइन्स के, जिन्हें हम डिफरेंट डिनोमिनेशंस बोलते हैं पर्टिकुलरली.
अगेन ये अगर हम देखेंगे तो ये है माशका। माशका ये भी बहुत ही छोटा कॉइन होता था। हमारी जो जो छोटी उंगली होती है उसका जो हम नख बोलते हैं, नख से भी छोटा होता था कॉइन। उसी वजह से इसका जो वेट है ये बहुत ही कम आता है, 0.1 या 0.2 ग्राम। तो ये बहुत ही छोटा होता था, इस पे कोई सिंबल्स सिंबल होता था वो कोई फिक्स नहीं होता था। सिंबल अलग अलग सिंबल इस पे हमें मिलते हैं, तो ये सिंबल इस पे होता था। अगेन हम देखेंगे कि ये मैंने क्यों बताया माशका का, उसका रीजन ये है कि आगे जब हम इन कॉइन्स के बारे में बात करें, कारशापन टाइप कॉइन्स के बारे में, जो कि फोर्थ सेकेंड सेंचुरी बीसी, थर्ड सेंचुरी बीसी या फर्स्ट सेंचुरी बीसी में जो हमें देखने को मिलते हैं, तो ये कॉइन्स का वेट जो है ये गुंज में नहीं माशक में होता था। तो 25 माशकास इज इक्वल टू दिस वन कॉइन। सो दिस इज प्री कारशापना कॉइन, दिस इज नॉट एग्जैक्टली कारशापना कॉइन, दिस इज प्री कारशापना। तो इसका वेट 25 माशकास इज इक्वल टू 5.4 ग्राम्स, और ये 5.4 ग्राम्स का कॉइन है। दिस इज मगध जनपद कॉइन। ओके, तो ये आप देख सकते हैं, तो इसका वेट ऐसे होता था। अगेन ये नीचे का जो कॉइन है ये कारशापन कॉइन है। इसका उल्लेख हमें टेक्स्ट में बहुत ही जगह पर आता है कि कारशापन टाइप के कॉइन्स इसको दिया उसको दिया, ये मिंट किया वगैरह वगैरह, बहुत ही ज्यादा जगह पे आता है। तो ये कारशापन कॉइन है और ये 80 रत्तीज वेट का होता था। ओके, 80 रत्तीज या 144 ग्रेन्स, और इसका वेट होता था 3.5 ग्राम्स अप्रोक्सीमेटली। इस पर कोई सवाल पहली स्लाइड पे? ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास है, यस यस मैम, सर देयर इज अ क्वेश्चन, कन्वर्जन रेट ग्रेन्स इनटू ग्राम्स कैसे होता है? उसका जो है उसका एक अलग आर्टिकल मैं आपको भेजूंगा, उसका अलग, क्योंकि अभी अगर ग्रेन्स टू ग्राम्स बोलेगा तो रत्ती का भी ग्राम्स में कितना होता है ये बोल, तो उसका आगे फिर ड्रैकमा और बाकी भी है। तो मैं आपको एक करूंगा, ये सेशन होने का आपको एक पीडीएफ भेजता हूँ उसके बारे में, जिसमें ये सारे इसका लिखा है, और आपको ये इजीली होगा सबको शेयर करने के लिए, और सबको समझ में भी आएगा वो इजीली। ओके, तो वेट ऑफ कॉइन्स ये आगे है, क्योंकि अभी नियर अबाउट 50 to 60 स्लाइड्स मतलब कवर अप करना है, तो दिस इज वेरी हार्ड। वेट ऑफ कॉइन्स जब हम बात करते हैं, तो मैंने आपको पहले ही बोला कि जब इंट्रूडर्स रूलर्स यहाँ पे आए, बाहर के रूलर्स आए, तो उन लोगों ने जो है बहुत ही अच्छी तरीके से कॉइन्स उनके मिंट किए थे, और उनके कॉइन्स का जो डिनोमिनेशन था वो होता था ड्रैकम। सो दिस इज ड्रैकम कॉइन ऑफ मिनेंडर। ओके, तो इस पे जो है इस पे हम देख सकते हैं कि ये 2.2 ग्राम्स का ड्रैकम का कॉइन है, और इस पे ये उसका किंग का बस्ट है, ये ग्रीक में लेजेंड है, और रिवर्स में उसका खरोष्टी में लेजेंड है। तो दिस इज ड्रैकम कॉइन। अगेन ये जो कॉइन है ये आप देख सकते हैं, ये हमें पता है कि ये नहपान का कॉइन है, पर नहपान ने भी उसके जो कॉइन है ये ड्रैकम इसी परिमाण पे डिनोमिनेशन पे मिंट किए थे। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बाहर के रूलर्स का इंडिया में जो रूलर्स थे उन पर भी असर बहुत ही ज्यादा पड़ा था, क्योंकि ये कॉइन्स भी बहुत ही इजीली एक्सेसिबल हो गए थे, और लोगों को हैंडल करने के लिए भी इजी हो गए थे। तो इनके लिए ये कंपलसरी था कि ऐसे ही टाइप का कॉइन हमें मिंट करना है, तो इन्होंने भी इनके कॉइन्स ड्रैकम इस डिनोमिनेशन में मिंट किए। अगेन ये जो है ये सातवाहन कॉइन है वशिष्ठिपुत्र श्री पुरुमावी किंग का। तो वशिष्ठिपुत्र पुरुमावी का ये जो कॉइन है ये भी ड्रैकम इसी परिमाण में इसी डिनोमिनेशन में मिंट किया गया है। तो ये इम्पोर्टेंटली ये है कि एंशियंट इंडिया में कैसे प्रभाव टाइपोलॉजिकल सिमिलैरिटी हो या वेट की सिमिलैरिटी हो, दोनों सिमिलैरिटीज फॉलो करनी पड़ती थी ट्रेड के लिए, अच्छे से ट्रेड होने के लिए। अगेन दिनार ये हो गया ड्रैकम का। अब हम बोलेंगे दिनार के बारे में। तो दिनार अर्ली कुशान पीरियड में दिनार जो है ये कॉइन मिंट होना शुरू हुआ था। तो दिनार का एक अप्रोक्सीमेटली वेट होता है 7.9 ग्राम या 8 ग्राम या 7.5 ग्राम्स। तो ये जो राइट में आप देख सकते हैं ये वन दिनार, दिस इज दिनार कॉइन ऑफ कुजुलक कड़फिस, सॉरी विमा कड़फिस का कॉइन है ये, और इस पे उसका लेजेंड है, और उसका बर्स दिख रहा है, रिवर्स में आपको उसकी गॉडेस दिख सकती है। और उन्होंने डबल दिनार भी मिंट की थी, दिस इज डबल दिनार ऑफ 15.54 ग्राम्स। ओके,
और ये जो आप नीचे देख सकते हैं ये है क्वार्टर दिनार, दैट इज 1/4 दिनार। तो ये डिनोमिनेशन उस पीरियड में भी था। और दिनार का जो है, दिनार जब कुशानों ने दिनार टाइप के कॉइन्स मिंट करने शुरू किए तो ये कॉइन्स बहुत ही ज्यादा फेमस हो गए थे, और आगे जो रूलर्स आए जैसे कि गुप्ताज आए उनको भी इसी टाइप के कॉइन मिंट करना कंपलसरी हो गया था, और उन्होंने वैसे ही कॉइन्स मिंट किए जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये कनिष्का सेकेंड जो था ये उसका कॉइन है, पीछे हम ओशो देख सकते हैं, दिस इज 1 दिनार कॉइन 7.89 ग्राम। देन दिस इज वासुदेवा सेकेंड 7.66 ग्राम्स। ओके अगेन दिस इज समुद्रगुप्ता ऑफ गुप्ता, दीज टू कॉइन्स आर ऑफ कुशांस एंड दिस इज ऑफ समुद्रगुप्ता फ्रॉम गुप्ता डायनेस्टी। तो ये भी जो है ये 7.4 ग्राम्स का ये कॉइन है समुद्रगुप्त का। अगेन अगर हम देखेंगे तो ये स्कंदगुप्त का कॉइन है, पर इसका वेट आप देखेंगे तो 8.40 पर गया है, तो इसका वेट बढ़ा है। पर इम्पोर्टेंट ये है कि इसका वेट बढ़ा है पर इसकी मेटलर्जी, इसका जो मेटल का इंटरनल वैल्यू है वो घटा है। मतलब यहाँ पे एग्जांपल, यहाँ पे अगर 90% ऑफ गोल्ड है कॉइन में तो यहाँ पे 80% ऑफ गोल्ड आपको देखने को मिलता है, और कॉइन की जो वेट है वो उन्होंने बढ़ा दिया है। ये स्कंदगुप्त की और एक दिनार है जिसमें 9.12 ग्राम वेट है, तो दिस इज हाई वेटेड कॉइन ऑफ स्कंदगुप्त। पर ये भी जो है बाद में, ये थोड़े ही दिनों के लिए उन्होंने निकाला पर बाद में बंद कर दिया, फिर रेगुलर ही कॉइन उन्होंने मिंट किए थे। दिस वेर दिनार्स ऑफ डिफरेंट किंगडम्स फ्रॉम कुशान टू गुप्ता एंड डिफरेंट किंग्स ऑफ गुप्तास। ओके सो नेक्स्ट ये है टंका। तो जब हम टंका के बारे में बात करते हैं पर्टिकुलरली, तो टंका हम ऐसा माना जाता है कि उसने ये टंका शुरू किया था। एक्चुअली इन इंडिया सिल्वर जो है वो ज्यादा प्रमाण में अवेलेबल नहीं था, तो उनको ये सिल्वर बाहर से मंगवाना पड़ता था। इन मीडियवल इंडिया वो बंगाल में बहुत ही ज्यादा प्रमाण में उपलब्ध था, तो इसी वजह से वहां पे टंका ये जो कॉइन है ये वो ज्यादा प्रमाण में मिंट किया जाता था। तो आज भी बंगाल में या बांग्लादेश में टाका नाम का एक उनका कॉइन है। तो दिस इज इम्पोर्टेंट कि ये मीडियवल इंडिया का उनपे जो है हम बोल सकते हैं उसका म्हणजे त्याचा अजूनही प्रभाव आपल्याला पाहायला मिळतोय त्या नाण्यांवरती। तो दिस इज टंका कॉइन ऑफ शार्ल्स अल्दीन अल्तमश हु वाज अ सुल्तान ऑफ दिल्ली, और ये फर्स्ट सीरीज का कॉइन है उसका, अर्ली कॉइन, एंड दिस इज डेटेड नियरली अबाउट 1217-1220। देयर इज नो मिंट नेम, हॉर्स हॉफमैन टाइप। यहां पे ये शाम्स अल्दीन अल्तमश जो है ये हॉर्स पे बैठा हुआ हमें देखने को मिल सकता है, और बाकी लेजेंड है। तो टंका ये जो पर्टिकुलर कॉइन है, ये टंका कॉइन का वेट नियर अबाउट 10.8 ग्राम ये फिक्स होता था कि इसी वेट में जो है हमें कॉइन्स मिंट करने हैं। अगेन ये टंका कुछ हम देखेंगे, दिस इज टंका ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, दिस इज ऑल्सो टंका ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक एंड दिस इज ऑल्सो टंका ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। तो टंका ये जो नाम है ये तीनों कॉइन्स के लिए जारी किया गया था, बस उसका जो मेटल है और उसका जो वैल्यू है वो अलग अलग होता था, पर बोल सकते हैं कि गोल्ड का टंका, सिल्वर का टंका और कॉपर का, तो इसका वेट अलग अलग होता था। तो इसका अगर हम वेट देखेंगे तो इस पे थोड़ा बड़ा है, 10.5 ग्राम्स का ये टंका है, देन दिस इज 10.8 ग्राम्स का टंका। तो टंका ये जो नाम है ये पर्टिकुलरली सिल्वर कॉइन के लिए ही था, ये सिल्वर कॉइन का ही नाम था, पर बाद में उन्होंने ये कॉपर के लिए भी यूज किया और गोल्ड के लिए भी यूज किया। तो ये जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक के तीन तरह के कॉइन्स थे जिन्हें हम टंका बोलते हैं। देन अगेन लेट्स कम टू रुपया। तो रुपया के बारे में जब हम बात करते हैं तो रुपया ये कैसे उत्पन्न हुआ, ये कैसे आया? तो रुपया इस शब्द का मतलब रौप्य, रौप्य की मुद्रा, रौप्य का कॉइन जिसे हम बोलते हैं रौप्य में सिल्वर, सिल्वर का कॉइन जो है उसे हम रुप्य बोलते हैं, रुपया बोलते हैं। सो दिस वॉज इंट्रोड्यूस्ड एक्चुअली बाय शेर शाह सूरी, और इसके जो रेफरेंस है वो हमें बहुत जगह पे देखने को मिलते हैं, पढ़ने को मिलते हैं। उसका अबू अल फजल की जो ऐनी अकबरी है तो उसके उसमें भी इसका उल्लेख है, और वो बोलता है कि रुपया वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय शेर खान सूरी। वो वहां पे शाह नहीं लगाता, वो खान लगाता है, शेर खान सूरी। तो ये रुपया है शेर शाह सूरी का। तो ये 180 ग्रेन्स का था लगभग, और वाज 11.2 to 11.5।
देन अगेन बात ये हुई कि अब हम देखेंगे कि यहाँ पे टंका था, तो टंका का डायरेक्टली ऐसा कैसे हुआ कि उसने रुपया इंट्रोड्यूस किया? तो पहले तो टंका था, बट टंका उन्होंने बंद किया, और टंके के बाद उन्होंने थोड़ा सोचा कि अगर हम और एक डिफाइन एक तोला का कॉइन ऐसा अगर हम सोचेंगे तो कैसे होगा। तो एक तोला का कॉइन अगर हम बोलते हैं तो एक तोला नियर अबाउट 11 ग्राम 12 ग्राम के आसपास एक तोला होता है, तो उसे हम एक रुपया के बारे में बोल सकते हैं। एक रुपया, आज का एक रुपया मतलब 100 पैसे, 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपी, पर उस वक्त 100 पैसे ही था, ऐसा नहीं है। तो ये रुपया था वॉज इंट्रोड्यूस, विच वॉज इंट्रोड्यूस बाय शेरशाह सूरी। तो बात ये हुई कि भले ही हमें इसका पूरा हिस्ट्री मालूम है कि शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया और उसके बाद फिर उसकी सारी जगह लेकर वहां पे उसने खुद को राजा घोषित किया और उसके सिक्के वगैरह निकाले, ये सब मालूम। पर उसके बाद जो आया अकबर, जो मुगल राजा था, उन्होंने भी शेरशाह सूरी का ही पैटर्न फॉलो किया हुआ, ये हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। भले इट वॉज नॉट नेसेसरी कि ऐसा ही हो, पर उन्होंने देखा कि ये होना चाहिए, दिस इज वेरी गुड, और लोग इसे इजीली ट्रेड कर पा रहे हैं, दिस इज इजीली अवेलेबल कॉइन, और ये अच्छी तरीके से चल सकता है। तो उन्होंने क्या किया, इसी वेट में उनके भी सिक्के निकाले, और तब से फिर ये जो अकबर के पीरियड से जो ये लगातार हुआ, तो आज तक रुपया ये चल रहा है, और वो बहुत ही फेमस हो गया, सब किंग्स ने जो है रुपया परिमाण के जो है सिक्के निकाले। सो दिस इज रुपया ऑफ मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर, तो ये अकबर का कॉइन है रुपया डिनोमिनेशन का, इसका वेट 11.36 ग्राम हमें देखने को मिल सकता है। और जो तब से ये शुरू हुआ, तो उसके बाद औरंगजेब तक उसके बाद के जो थे किंग्स, उन्होंने भी सारे इसी तरह के कॉइन्स मिंट किए, रुपया परिमाण जिसे हम बोलते हैं, रुपया और मोहर, ये दोन मेनली यूज्ड थे कॉइन्स। मोहर मतलब गोल्ड का कॉइन 11.234 ग्राम्स का, और रुपया मतलब चांदी का कॉइन, सिल्वर का कॉइन। सो दिस इज अ कॉइन ऑफ औरंगजेब, सूरत मिंटेड इन सूरत। सूरत ये बहुत ही बड़ा ट्रेड सेंटर था इन मिडिवल इंडिया, तो वहां पे जो सिल्वर है ये बहुत ही ज्यादा प्रमाण में उपलब्ध था, इसलिए हमें सिल्वर के जो कॉइन्स है वो सूरत मिंट से बहुत ही ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो जहांगीर के बारे में बात करेंगे अभी। हमें पता है कि जहांगीर वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन आर्टिस्टिक थिंग्स, उन्होंने उनके उस टाइम पे जो बने मॉन्यूमेंट्स है वो भी अगर हम देखेंगे तो हमें पता चलता है कि ही वॉज वेरी इंटरेस्टेड। तो यहाँ पे कॉइन्स पे भी हमें कुछ चीजें देखने को मिलती है। तो जब जहांगीर राज्य पे आए, उसके बाद उन्होंने एक ट्राई किया कि क्यों ना हमारे सिक्के का वजन थोड़ा बढ़ाया जाए। तो ये आप सिक्का जो देख रहे हैं, इसका वजन उन्होंने 25% से बढ़ा दिया और 13.61 ग्राम का ये कॉइन कर दिया, और इसे उन्होंने नाम दिया जहांगीर, उसको जहांगीरी बोलते थे ये कॉइन को। तो 25% बढ़ा दिया, पर लोगों ने वो ज्यादा एक्सेप्ट नहीं किया, बिकॉज वो हार्ड हो रहा था एक्सचेंज के लिए। तो उन्होंने फिर ये कॉइन फिर से बंद कर दिया, थोड़े ही दिन के लिए मिंट किया पर बंद कर दिया। उसके बाद ये 1.25 रुपया है जहांगीर का, 1.25 रुपया मतलब 1.5 जिसे हम बोलते हैं, वो 1.25, तो उसे हम 1.25 बोलते हैं। तो ये 1.25 रुपया है उसका जहांगीर का, एंड दिस वॉज कॉल्ड एज सवाई, जो हम कल भी हमने ये कॉइन देखा था। तो मैंने कल आपको बताया था कि कल मैं आपको बताऊंगा कि सवाई इसको क्यों कहते हैं। तो ये 1.25 रुपया होने की वजह से इसे सवाई कहते हैं, और इसका वेट जो है वो है 14.7 ग्राम्स। ओके, अगेन ये नीचे की जो है ये 5 मोहर्स ऑफ अकबर, उन्होंने अलग अलग ये प्रयोग भी किए हैं, एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं कि अलग अलग वेट में कॉइन्स क्यों ना बनाए जाए, और ये कॉइन्स चलन में नहीं थे, ये दोनों चलन में थे। पर नीचे का अगर हम देखेंगे अकबर की 5 मोहर अगर बोलेंगे, तो दिस वॉज नॉट यूज जनरली बाय द कॉमन पीपल, अगर यूज भी हुआ तो कोई बड़ा ट्रेड हो या कोई बड़े लोग हो वही ये यूज करेंगे, नहीं तो फिर दिस वॉज यूज एज अ नजराना टू प्रेजेंट समवन। नजराना ये तो आपको पता होगा, नजराना और निसार ये दो टाइप के कॉइन थे अलग अलग इन मुगल इंडिया, विच वेर यूज फॉर डिफरेंट पर्पजेस। उसका नजराना जो था वो नजर करने के लिए, किसी को भेंट देने के लिए बनाया जाता था, और निसार जो है, निसार का मतलब होता है उधरना इन मराठी। तो जब इसके बहुत से डॉक्यूमेंटेड भी एविडेंसेस है निसार के और नजराना के, इसे नजर किया उसे नजर किया, तो ये नजराना कॉइन जो है वो प्रेजेंट करने के लिए था,
और निसार कॉइन जो है वो मीन्स अगर कोई ओकेजन होता था, जैसे मैं आपको एक ओकेजन बताऊं कि कोई किंग दरबार में आ रहा है, तो वो ऐसे वो कॉइन सिक्के उछालेंगे और वो जब वो नीचे गिरेंगे तो वो सिक्के कोई भी ले सकता है, तो उसे बोलते हैं निसार करना। तो मैंने एक एक अगर बोलेंगे कि मैंने उस पर जान निसार कर दी, मतलब क्या कर दिया, मैंने उस पर जान उछाल दी, मैंने उसको जान दे दी, तो इस तरीके से वो शब्द जो है वो यूज किया गया है निसार करना, निसार कॉइन। तो उस कॉइन पे निसार ऐसे लिखा भी आता है, वो फिर कभी देखेंगे हम। ये जो कॉइन है ये है टीपू सुल्तान का डबल रूपी। टीपू सुल्तान ने भी दो तरह के कॉइन्स मिंट किए थे, पर्टिकुलरली इन सिल्वर, सिंगल रूपी एंड डबल रूपी, मीन्स रूपी एंड डबल रूपी। तो ये जो है ये टीपू सुल्तान का डबल रूपी है, दिस इज वेरी रेयर कॉइन। ये डबल रूपी हम देख सकते हैं, ये बहुत ही बड़ा कॉइन आता है, इसका फ्लैन भी बहुत बड़ा होता है, और इसका वेट भी आप देखेंगे तो 22.84 ग्राम इसका वेट है, तो इसी से पता चलता है कि ये कॉइन कितना बड़ा होगा। ये भारी है, इसके बारे में किसी ने सुना है, जाइगेंटिक कॉइन दिस इज, आपने किसी के बारे में किसी ने सुना है कि ऐसे भी कुछ सिक्के थे? सर ते डबल रूपी का म्हणायचे त्याला, डबल रूपी म्हणजे दोन रुपये वजनाचं नाणं। ओके देखिए ये जो है ये कॉइन है, इसमें 25% वेट बढ़ा दिया कॉमन जो है उसका रूपी से, तो जांगरी बन गई, इसमें 25 मींस इसमें भी थोड़ा वेट बढ़ा दिया, सवा कर दिया उसको रेगुलर वेट से, तो इसको सवाई बोला गया। ये हाँ। पांच मोहर तो ये तो अलग ही है, पर ये डबल रूपी इसलिए कि उसका डबल रूपी का सिंगल रूपी वेट करता है 12 ग्राम्स, तो डबल रूपी वेट करेगा 24 ग्राम्स, और अगर 11 ग्राम से तो करेगा इस तरह से डबल रूपी। आपका वो सिक्के में होगा तो 200 रुपीस का जितना वेट होता है उतना वेट आपका इस कॉइन में होगा। This is Nazra coins, not a coin used for transaction. Okay, generally this was only minted for to nazar. किसी को नजर करना हो उसी लिए ये कॉइन यूज किया है। तो दिस इज 200 रुपीज कॉइन, और इसका वजन जो है ये है 2 kilo and 275 grams का ये कॉइन है। तो ये कितना बड़ा कॉइन होगा आप सोच सकते हैं, लगभग 2.25 किलो का कॉइन है, 2.25 किलो चांदी, तो बहुत ही बड़ा कॉइन हो सकता है। पर आप अगर सोचेंगे कि क्या इससे भी बड़ा कॉइन होगा कहीं पे, ये तो ठीक है 200 रुपीस का हमने देख लिया, पर क्या इससे भी बड़ा कुछ होगा, तो है, और वो ये है 1000 तोला का कॉइन। 1000 तोला मतलब ये नियर अबाउट 12 किलो सोने का कॉइन है। ये आपको आपने कभी नहीं देखा होगा आई एम श्योर कि ये 12 किलो सोने का कॉइन है, और इसके ये भी नजराना ही है, और मुझे तो लगता है ये एक या दो ही मिनट किए गए होंगे उस वक्त, आई थिंक आज दो अवेलेबल है तो बाकी तो क्या हुआ पता नहीं, पर ये 1000 तोला का कॉइन है। और आई हैव हर्ड समवेयर कि जो ये थे संस्थानिक थे निजाम जो थे, तो निजाम के पास ऐसा एक कॉइन था, और उन्होंने ट्राई भी किया था कि उनको एक कॉइन बेचना है, पर वो बेच नहीं सके क्योंकि गवर्नमेंट ने उस पर नहीं बोला कि ये है ये आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, बिकॉज दिस इज हिस्टोरिकल थिंग। तो उन्होंने वो बेचना मतलब बेचने को नहीं कहा उनको। ये आगरा मिंट से बना हुआ कॉइन है, यहाँ पे आप आगरा जो है इसका नाम देख सकते हो, और ये जहांगीर का कॉइन है, ये मोहम्मद जहांगीर यहाँ पे पढ़ा जा सकता है, और ऊपर बादशाह गाजी। तो ये जहांगीर का 1000 तोला मीन्स 1000 रुपी भी जिसको बोल सकते हैं उसका कॉइन, एक मोहर जिसको बोल सकते हैं, तो उस वेट का एक कॉइन 12 किलो का। लेट्स कम टू द कॉपर कॉइन। जैसे अभी देर पहले पूछा था जब सेशन स्टार्ट करने से पहले कि खड़कू जिसे बोलते हैं हम या पैसा जिसे बोलते हैं, तो ये अलग अलग क्या होता है, तो ये अगर हम देखेंगे तो अदली ये अल्तमश जो था, ये अल्तमश ने अदल अदल ये अदल कहा जा सकता है उर्दू में, और ये शाम्स उसका नाम, और ये अदल अदल बोले तो वो कॉइन का नाम अदली, तो वो अदली उसने मिंट किया था। दिस वाज अ कॉपर कॉइन मिंटेड बाय हिम, उसका वेट था 3.27 ग्राम्स,
ओके, तो ये जस्ट 3.3 ग्राम का या 3.30 ग्राम का कॉइन था। उसके बाद ये हुआ कि जैसे ट्रेड बढ़ना शुरू हुआ था इन मेडिवल इंडिया, इट वॉज वेरी बिग ट्रेड, तो जलालुद्दीन फिरोज तुगलक जो था उन्होंने ये अलग टाइप का कॉइन थोड़ा मिंट किया था, जिसको वो आज भी हम कहीं पे विलेज को जाएंगे तो वहां पे मेरे पास माजागढ़ पई का नहीं है, ऐसा हम मतलब मूवीज में देखने को मिला पास माजागढ़ पई का नहीं है, असे डायलॉग्स असतात त्यामध्ये। तर हा पैका जो आहे हा पैका इकडून आलेला। उसके बाद जो है पैसा, पैसा जिसको हम पैसा इंट्रोड्यूस किया शेर शाह सूरी ने। उसके पहले हमारे पास पैसा ऐसा कुछ डिनोमिनेशन था, ऐसा कुछ एविडेंस तो है नहीं, और वैसे कॉइन्स भी कुछ अवेलेबल है नहीं कि जिसे हम बोल सकते। तो ये शेर शाह सूरी का हमें कॉइन देखने को मिलता है जिसको हम पैसा बोलते हैं, और इसका वेट था 20.1 ग्राम। तो ये पैसा था। अगेन ये फलूस, फलूस को हम इन शॉर्ट बोल सकते हैं कि हाफ पैसा, आधा पैसा ये। तो ये फलूस का वेट हम देखेंगे तो ये है 10.5 ग्राम। इसका डबल करेंगे तो 21 ग्राम, जो कि पैसे से नियर अब सेम आता है। और ये नासिर शाह का कॉइन है, वो सुल्तान ऑफ मालवा। ओके, तो ये उसका कॉइन है। इस पर कोई सवाल? हाँ सर, ते अदली पैका पैसा हे सगळे कॉइन्स जे नाव आपण बोलतोय तर हे तर कॉइन्स वरती तर लिहिले नसायचे ना, सो मग हे कशावरून कळालं की त्या पर्टिक्युलरली पीरियडला किंवा त्या पर्टिक्युलर राजाच्या रीन मध्ये ह्या कॉइनला हेच नाव होतं असं? तो उसका सारी चीजें उस कॉइन पे लिखी हुई नहीं रहती, पर हमें देखना पड़ता है। उसका पहला एस्पेक्ट है कि 20 ग्राम का कॉइन जो मिंट किया है शेर शाह सूरी ने, तो वह कॉइन किया है क्या? तो अगर हम देखेंगे तो शेर शाह सूरी के बाद कुछ पैसा ये कॉइन मिंट, अगर आप बोलेंगे फलूस जो है ना, तो फलूस का उस पर लिखे हुआ रहता है कि ये फलूस है। ओके, अच्छा। दाम का अगर हम बोलेंगे ये आगे अकबर का दाम जो है, तो इस पर दाम लिखा हुआ रहता है कि ये दाम है। उसके बाद ये अदल, इस पे भी अदली लिखा हुआ रहता है। अगर ये इसका देखेंगे निसार, मैंने आपको बोला कि निसार, उस पे भी निसार लिखा हुआ रहता है। ये रुपया, इस पे भी रुपया लिखा हुआ रहता है, मतलब इस पे भी रुपया लिखा हुआ था। तो ये कंपैरेटिवली ऐसा स्टडी करना पड़ता है इसका कि इसके आगे के किंग्स ने और पीछे के किंग्स ने किसी ने इस वेट में कॉइन मिंट किया है क्या, और वो उस कॉइन को किस नाम से, उसके डॉक्यूमेंटेड कुछ एविडेंस है क्या, और उसके कॉइन्स पे कुछ नाम लिखे हुए है क्या। तो उस वैसे कुछ समझ के इसका हमें सोचना पड़ता है कि ये इसका नाम क्या होगा, और फिर उसको वैसा नाम देना पड़ता है। अभी इस पे जो है, इस पे पैसा लिखा हुआ नहीं है, पर इसके बाद के जो कॉइन है उन पर वो जो कॉइन मिंट किए गए थे तो उसका उल्लेख कुछ डॉक्यूमेंट में है पैसा बोल के। तो उसी से हम ये कंपैरेटिवली स्टडी करके ये सोच सकते हैं कि इसको भी पैसा बोलते होंगे, पर इसका कोई डॉक्यूमेंटेड एविडेंस नहीं है। ओके, ऐसा है। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो ये जो पैसा डिनोमिनेशन का कॉइन था, तो पैसा डिनोमिनेशन के बाद अकबर के अप्रोक्सीमेटली उस टाइम में दाम का इंट्रोडक्शन हुआ, और वो दाम बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ लगभग ब्रिटिश इंडिया तक, और ब्रिटिश इंडिया क्या उसके बाद भी। अब हम बोलने पास दमड़ी भी नहीं है, तो दमड़ी वॉज अ फ्रैक्शन ऑफ दाम, तो वो दमड़ी बोलते थे उसको। खुर्दा, खुर्दा वाज अ फ्रैक्शन ऑफ दाम, और खुर्दा वाज अ कॉपर कॉइन, उसको खुर्दा बोलते थे। तो ये अकबर का दाम है, तो ये दाम बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ। तो ये जो है उर्दू जाफर करीन मिंट का, सॉरी ये मुल्तान मिंट का दाम है उसका, अकबर का। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये दाम है सिंगल दाम 20.5। अब देखिए कि इसका भी वेट जो है ये इसी लगभग है 20.1 या 20.5 के आसपास, और इसका भी वही है। पर इसे हम दाम बोल रहे हैं और ऐसा क्यों? तो इस पे लिखा हुआ रहता है कि ये दाम है, और उस पे लिखा हुआ नहीं रहता कि वो दाम है या पैसा है या कुछ है। ओके, तो अकबर ने ये दाम मिंट किया, और उसके बाद उसने डबल दाम भी मिंट किया, जो मतलब दो दाम का जितना वेट होता है उतने वेट का कॉइन।
तो यहाँ पे अगर हम इसका वेट देखेंगे तो ये 40.97 ग्राम, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कॉपर का कॉइन है और ये कितना बड़ा होगा, 40 ग्राम अगर इसका वेट है तो उस वक्त में इसके लिए मतलब तुम्हारे ट्रांजेक्शन के लिए इजी हो इसलिए ये सारी चीजें की जाती थी। अब नेक्स्ट है मोटिव्स ऑन कॉइन। हमारे पास दो इसके थे पॉइंट्स, एक था सिंबल्स ऑन कॉइन्स एंड मोटिव्स ऑन कॉइन्स। सिंबल अलग होता है, मोटिव अलग होता है। तो सिंबल जब हम बात करते हैं तो सिंबल अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे स्वस्तिक का सिंबल होता है, उज्जैन चिन्ह होता है, या कोई इस पे कोई अलग अलग प्लू आता है, या कोई अलग सन आता है, मून आता है, कोई ट्री आता है। और मोटिव्स जो है मोटिव्स इसी तरह के होते हैं, उसमें कुछ ज्यादा फर्क ऐसा नहीं बोल सकते, पर मोटिव्स माने कि अलग अलग मोटिव्स। जैसे कि इस पर हम देखेंगे कि एनिमल और बर्ड, इसे हम मोटिव्स बोलेंगे, सिंबल तो इसे हम नहीं बोलेंगे। तो ये जो है इस पर देख सकते हैं कि दिस इज कॉइन ऑफ मगध जनपद, और मगध जनपद के कॉइन पे अलग अलग ही, यहाँ पे नीचे मैंने सिंबल्स दिए हैं, तो ये सारे सिंबल्स इस कॉइन पे मिंट किए गए हैं, अलग अलग सिंबल्स। यहाँ पे कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कोई इंस्क्रिप्शन नहीं है, कुछ नहीं है, बस सिंबल्स मिंट किए हैं। और एक अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये सारे जो सिंबल्स है ये नेचर से रिलेटेड है। तो नेचर से रिलेटेड, आज हम नेचर से बहुत ज्यादा दूर चले गए हैं, पर एंशियंट इंडिया में जो लोग थे वो नेचर के बहुत ही ज्यादा करीब थे, वो निसर्ग को ही अपना भगवान मानते थे और उसकी ही पूजा करते थे। तो ऐसा ये सिंबल्स अलग अलग जो मोटिव्स है या सिंबल्स है ये इस पे मिंट किए गए हैं। ये हो गया एंशियंट इंडिया के बारे में। जब हम उसी पीरियड की बात करते हैं तो हमें ये और कुछ कॉइन्स देखने को मिलते हैं। तो ये है कॉइन सुक्तिमती या कुशंबी, हाँ सुक्तिमती का कॉइन है। तो ये सुतिमती यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे ऑब्वर्स में अगर आप देखिए तो यहाँ पे हॉर्स है, ओके, बाद में ये छोटा पॉन्ड है और इसमें ये मछलियां है। ये रिवर्स में एक हाथी है जिसकी जो ट्रंक है वो ऊपर है, और यहाँ पे छोटा सा ट्री है। तो ये सारा जो है ये नेचर का डिपिक्शन है कि लोग नेचर के कितने थे, और नेचर का भी डिपिक्शन। और दूसरा की बलाढ़्यता, बलाढ़्यता जिसे हम बोलते हैं बलाढ्य, हत्ती जो असतो तो बलाढ्य असतो, त्यामुळे त्याची बलाढ्यता दाखवण्यासाठी या बलाढ्यतेवरून तुम्ही तुमच्या राज्याची सुद्धा बलाढ्यता दाखवताय की आमचं राज्य बलाढ्य आहे। आणि हॉर्स घोड्याच्या याच्यावरून आपल्याला चपळाई कळते, तर तेही त्याचे काय फार त्याचे स्पष्ट पुरावे नाहीत, पण हे सगळे अंदाज आपण या पद्धतीने बांधले जाऊ शकतो। त्यानंतर दिस इज कॉइन ऑफ कुनिंदा, कुनिंदाज अमोघ होती। यहाँ पे कु नी द स ये ब्राह्मी में पढ़ने को मिल रहा है। ये जो है हिरन है, इसके नीचे ये थ्री आर माने थ्री जो है ये म्हणजे ही तीन डोंगर आहेत एकावर एक त्यांनी ठेवलेले वेगळ्या पद्धतीचे, ओके। त्यानंतर ही लक्ष्मी उभी दाखवलेली त्यांनी, तिच्या हातामध्ये जे आहे कमळाचं फूल आहे। सो दिस इज दिस मीन्स व्हॉट वी कॅन डिपिक्शन ऑफ नेचर अँड गॉडेस। अँड ऑन द रिवर्स ये जो है इसके बारे में अपन देखेंगे तो ये अलग अलग, ओके, ये कुछ सिंबल से अलग अलग। और यहाँ पे जो है ये सिक्स आर्च हिल हमें देखने को मिल रहा है, और नीचे जो है ये नदी देखने को मिल रही है। इन सिंबल्स के बारे में भी हम बात कर सकते हैं। ये स्वस्तिक है, ये कुछ नंदीपात जैसा दिख रहा है, और पर आगे हमें बहुत कुछ देखना है आगे भी कॉइन से, तो ये हम अभी स्किप करते हैं। अच्छा कॉइन है, और इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि इसका मतलब है कि जब तक यहाँ पे म्हणजे जो पर्यंत या पृथ्वीवरती डोंगर नद्या, ये जो नीचे जो लाइन है ये नदी है, तो जो पर्यंत डोंगर नद्या या पृथ्वीवरती आहेत जो पर्यंत हे अस्तित्वात आहे तो पर्यंत आम्ही राज्यात राहणार आहोत, असं त्यामधून त्यांना सांगायचंय। त्यामधून त्यांची एक जी आहे ती म्हणजे लॉंग लिव्ह जी गोष्ट आहे त्यामधून त्यांना सांगायची, आणि हे फार जास्त मोटिवेशनल आपल्या सगळ्यांसाठी आहे। आणि ह्यामधून आपण समजून घेतलं पाहिजे की आपल्याला माहिती आहे की या ठिकाणी कोणीच टिकणार नाहीये फार काळ, पण तरी सुद्धा यांच्यामध्ये ती एक इच्छा होती आणि दमक होती की आपल्याला आपलं राज्य खूप मोठं बनवायचं। अगेन दिस इज कॉइन ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, आणि यहाँ पे हमें रायनोसॉर देखने को मिल रहा है। सो दिस इज व्हेरी इंटरेस्टिंग कॉइन, गुप्ता का ये एक हमें रायनोसॉरस देखने को मिल रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो किंग है ये शिकार पे निकला हो और उसे राइनासोर दिखा हो, या उसने किसी राइनासोर को मारा हो और उसके बाद उसने इसका डिपिक्शन कॉइन पे किया, क्योंकि गुप्ता थिंग्स तो उन्होंने किया होगा, तो ऐसी शक्यता है
इट इज पॉसिबिलिटी. नीचे कॉइन्स दिखाए ये सारे कॉइन्स जो है ये है सातवाहनास के कॉइन्स, अलग अलग कॉइन्स. दिस इज कॉइन बुल टाइप कॉइन ऑफ सातवाहना. दिस इज मींस वी कैन कॉल इट लायन और वी कैन कॉल इट टाइगर टाइप कॉइन ऑफ सातवाहना. दिस इज एलिफेंट टाइप एंड दिस इज लायन टाइप. तो ये जुन्नर लायन है, ये कॉइन्स जुन्नर एरियाज में मिलते हैं इसलिए इसे जुन्नर लायन बोला जाता है. अगेन ये जो है ये एलिफेंट जो है ये पैटर्न एलिफेंट बोला जाता है, पैटर्न टाइप एलिफेंट. ये पैटर्न साइड में जो है वो मिलता है ये कॉइन्स, तो इसीलिए इसे पैटर्न बोलते हैं. ये जो है ये भी इसी एरिया में के है, पैटर्न भोकरदन नेवासा एरिया में के. और कुछ कॉइन्स हमें ये नासिक में भी मिलते हैं और ये पर्टिकुलर टाइप जो है ये नासिक का टाइप है, ये यहाँ पे नहीं मिलते. मीन्स पैटर्न नेवासा भोकरदन इस एरिया में, मराठवाड़ा एरिया में नहीं मिलते, पश्चिम महाराष्ट्र में नहीं मिलते, ये पर्टिकुलरली नासिक जो एरिया है वहां पे ये कॉइन्स मिलते हैं. अगेन ये कॉइन अगर हम देखेंगे तो दिस इज कॉइन ऑफ समुद्रगुप्ता, और समुद्रगुप्ता का अश्वमेध प्रकार जो है ये दिखाया गया है. अश्वमेध जो था, अश्वमेध एक यज्ञ का नाम है आपको पता होगा, तो अश्वमेध यज्ञ की एक बड़ी प्रोसेस रहती है और समुद्रगुप्ता ने अश्वमेध यज्ञ किया था और उस टाइम पे उसने ये कॉइन्स मिंट किए थे. तो ये अश्वमेध यज्ञ का कॉइन है उसका. उसके बाद उसने कमोमरेटिव कॉइन्स हमें जो बोलते हैं, जैसे हम आज 5 रुपए के सिक्के पे देखते हैं कि उसके रिवर्स में जो है कुछ लिखा है, तो वैसे ही टाइप का ये कॉइन है. ओके तो कुछ वहां पे सिंबल्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि 5 रुपए का कॉइन जिसपे दुर्गा देवी हो या कुछ हो, तो वो कमोमरेटिव कॉइन्स हम उसे बोलते हैं. तो उसी प्रकार का ये सिक्का है. तो इस पर हमें हॉर्स देखने को मिल रहा है और ये अश्वमेध का जो अश्वमेध सेक्रीफाइस जो रहता है, अश्वमेध यज्ञ, तो उसका ये कॉइन है. दिस इज वेरी ब्यूटीफुल कॉइन. अगेन दिस इज कॉइन ऑफ अकबर विथ बाज हॉग जिसे हम बोलते हैं, तो वो है. तो ये अकबर का कॉइन है. अकबर ने दो तरह के निकाले, बाज का जिस पर ये हॉक था और दूसरा था उसमें बतख था. ये दो टाइप के कॉइन्स उसने निकाले थे. तो ये कॉइन्स है एनिमल्स और बर्ड मोटिव्स जिन पर है, सिंबल्स जिन पर है. तो ये इंटरेस्टिंग कॉइन्स है. इसके ऊपर किसी को कुछ सवाल? सर हाँ प्लीज. म्हणजे पहिले लोक जास्त करून निसर्गाला मानायचे म्हणून, नाही का, त्याच्या रिलेटेड सिम्बॉल किंवा निसर्गच आमचा देव आहे म्हणूनच ते ठेवायचे ना सर. बिलकुल बिलकुल. मला त्याचा दाखवायची होती, म्हणजे आता हे जर नाणं पाहिलं तर यावरती आपला हत्ती दिसतोय. हत्ती हे बलाढ्यतेचं प्रतीक आहे. त्यांना बलाढ्यता दाखवायचे. आपण बरेचसे बाकीचे जर कॉइन पाहिले तर हत्तीच्या बाजूला नदी असते आणि दाखवलं असतं की या नदीच्या बाजूला जे आमचं साम्राज्य आहे हे हत्तीसारखी आहे. ते त्यामधून एक सिम्बॉल आहे. अनदर वन इज लाइक इथे जे गॉडेस जे दाखवले आहेत मोतीस कॉइन्स वरती, सो ते एका प्रकारे इंडिकेट करताना की पुरुष प्रधान संस्कृती नसून तिथे स्त्रियांना पण लाइक नो रिस्पेक्ट होता. तसं नाहीये. तुम्ही जर एन्शियंट इंडिया, जब आप एन्शियंट इंडिया के कॉइन्स पे देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा आपको वुमन गॉडेस देखने को मिलती है. वहां पे मेल गॉडेस बहुत ही कम है. अगर गुप्ता कॉइन्स पे देखेंगे तो सिर्फ उसका कार्तिकेय, अगर ये कार्तिकेय छोड़ दिया तो बाकी सारे गॉडेस जो है वो वुमन है. ओके तो वैसी बात नहीं है. और अगर आप बोलेंगे कि पुरुष प्रधान और स्त्री प्रधान ऐसी अगर की बात बोले तो इसके लिए हमें सातवाहन को देखना पड़ेगा. सातवाहना जो उनका नाम लगाते हैं, वशिष्ठ पुत्र श्री पुरुमावी, ऐसा अगर वो बोलेंगे बोलता है तो वो वशिष्ठ पुत्र ये जो है ये उसका नाम नहीं है, ये उसके माता का नाम है. वशिष्ठ वॉज अ नेम ऑफ हर हिज मदर. उसका वशिष्ठ पुत्र और श्री पुरुमावी इज हिज नेम. और वशिष्ठ पुत्र जो है वो उसके मदर का नाम है, उसके माता का नाम है. जैसे गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, तो गौतमी बलश्री वॉज अ नेम ऑफ हिज मदर. और गौतमी पुत्र और उसका बेटा हूं मैं, श्री सातकर्णी नाम लगाता हूँ, ऐसा उसका मीनिंग है. तो वहां पे हम जरूर बोल सकते हैं इन सातवाहना एरा कि वहां पे उन्होंने उनके माता को जो है वो बहुत ही बड़ा स्थान दिया है और इट इज ओके. मीन्स वो अच्छा भी है. तो ये उसके बारे में हम बोल सकते हैं. ये नेचर का, पर्टिकुलरली नेचर के बारे में. ये परफेक्ट मतलब तो आज तक किसी को बताना मुश्किल. इसका मतलब ऐसा लगाया जाता है कि
ज्यादा से ज्यादा कॉइन इस टाइप के जो है, ये सिंबल के जो ज्यादा कॉइन है, ये कॉइन मिले थे उज्जैन एरिया में पहले, तो आज तो ये कॉइन पूरे इंडिया में इस सिंबल के कॉइन मिलते हैं, इंक्लूडिंग सातवाहनाज एंड ऑल, क्षत्रप में तो नहीं मिलते, सातवाहनाज और बाकी जो सारे है उनमें मिलते हैं। तो ये उज्जैन सिंबल जो है वो वही, उसी लिए उसे उज्जैन सिंबल कहा जाता है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कॉइन उज्जैन में मिले थे ऐसे। तो ये हॉर्स यहाँ पे दिखाया गया है, ये एलिफेंट है, और यहाँ पे जो है ये नदी है, और नदी में आपको टॉर्टाइज भी दिखेगा और आपको फिशेस भी दिखेगी। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि ये कितना माइनर उन्होंने डिपिक्ट किया है, इतना माइनर डिपिक्शन तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। अभी ये कॉइन अगर हम देखेंगे तो इस कॉइन पे ये ट्री है इन द रेलिंग, इन कठौड़ा जलावन मराठी मंत्रो, ये रेलिंग में ट्री है, और उसके बाद ये उज्जैन सिंबल है, यहाँ पे एक पॉन्ड है और उसमें कुछ मछलियां है, और ये यहाँ पे एक नदी है और नदी में आपको टॉर्टोइज या फिशेस देखने को मिल रहे हैं। तो ये कितना माइनर डिपिक्शन है, ये कॉइन अगर आप देखेंगे हाथ में लेकर तो आपकी ये बहुत ही छोटा कॉइन है, आपकी उंगली पे आप ये बैठ जाएगा, इतना छोटा कॉइन है ये। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये सातवाहन कॉइन की एक रिवर्स साइड में आपको दिखा रहा हूँ जिस पर एक ट्री दिखाया गया है इन रेलिंग। ओके, तो ये पर्टिकुलर टाइप जो है ये पैठन टाइप बोली जाती है, पैठन में ये सिक्के मिलते हैं इसलिए। ये हम क्षत्रप के यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे नेचर का क्या है, तो ये जो मिडल का जो सिंबल आपको दिख रहा है तो ये नेचर डिपिक्ट करता है। कैसे, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि दिस इज थ्री आर्च हिल, दिस इज क्रिसेंट अबव एंड दिस इज लेफ्ट क्रिसेंट एंड राइट सन एंड दिस इज रिवर बिलो। तो ये वही डिपिक्ट करता है कि जो पर्यंत या पृथ्वीवरती चंद्र सूर्य तारे डोंगर नद्या आहेत तो पर्यंत आम्ही राज्य करत राहू, तो पर्यंत आमचं राज्य अस्तित्वात राहणार आहे। सो दिस इज व्हेरी इंटरेस्टिंग कि हे त्यामधून ते डिपिक्ट करतात। आता सातवाहना जर वर ज्यावेळी येतो त्यावेळी आपण पाहतो की हे बघा, या इथं राज्ञो आहे, वासी ठी पूतस मीन्स आय एम अ सन ऑफ वसिष्ठी अँड दिस इज सिरी पुरुमावी सर, माय नेम इज सिरी पुरुमावी, सो दिस इज व्हॉट इज रिटन। और यहाँ पे भी रिवर्स में हम देखेंगे लेफ्ट सन आहे, तर हे त्याच प्रकारचे नाणे आणि रिवर बिलो आहे रिपीट करते रिवरला। खालचे हे जे कॉइन दिसत आहेत हे काही डिनॉमिनेशन आहेत वेगवेगळे एन्शियंट इंडिया मधले सातवाहनाचे, ज्यावरती आपल्याला हे ट्री दिसत आहेत। रिवर साईडला जर पाहिलं तर इथं वेगवेगळे आपल्याला म्हणजे हे पर्टिक्युलरली ही नाशिक टाईप आहे, नाशिक टाईप याला म्हटलं जातं की नाशिक टाईप कॉइन्स, कारण की यावरती जो हत्तीचा प्रकार जो आहे तोही एक पर्टिक्युलर असतो आणि झाडाचा प्रकार आहे तोही एक पर्टिक्युलर असतो, म्हणून त्याला मग कलेक्टर्सनी एक सोपं करण्यासाठी म्हणून हे नाव दिले की नाशिक टाईप, जुन्नर टाईप, नेवासा टाईप, पैठण टाईप, भोकरदन टाईप या पद्धतीने। आता पुढे येऊया की मोटिव्स ऑन कॉइन, जसं तुम्ही म्हटला देवता, तर आता काही देवतांचे उदाहरण आपण पाहणार आहोत। हा कॉइन आहे ऍझिस या इंडोग्रीक राजाचा, पण यावर सुद्धा आपल्याला गजलक्ष्मी पाहायला मिळतीये। हे फारच जास्त इंटरेस्टिंग होतं, म्हणजे मला ज्यावेळी पहिल्या वेळेस कळालं तर मला तर मी फार आश्चर्यचकित झालो होतो की इतकं सुंदर डिपिक्शन एक इंडोग्रीक राजा त्याच्या नाण्यावरती करतोय लक्ष्मीचं, आणि अगदी इतकं सुंदर दाखवलंय, खाली कमळाच्या फुलावरती लक्ष्मी उभी आहे, बाकीचे दोन कमळचे फुलं वर आहेत, त्यावरती दोन हत्ती उभे आहेत आणि तिला आंघोळ घालतायत किंवा तिच्यावरती ते पाणी टाकतायत, हे फारच जास्त इंटरेस्टिंग आहे। त्यानंतर हा दुसरा कॉइन जो आहे ही गजलक्ष्मीच आहे, ही सातवाहनची गजलक्ष्मी आहे, ही तर सिरी सातकणीसवर लेजंड वाचायला मिळते, आणि हेही त्याच पद्धतीने ती लक्ष्मी बसलेली आहे, दोन पायांची घडी घालून आपण त्याला म्हणूया, आणि तिने हे कमळ जे आहे दोन्ही हाताने पकडलेले आहेत आणि दोन्ही बाजूने हत्ती तिच्यावरती पाणी टाकतायत, अशा पद्धतीचं हे चित्रण आहे। त्यानंतर ही गॉडेस दुर्गा आहे, ही दुर्गा आपल्या गुप्ता कॉइन्सवरती आपल्याला पाहायला मिळते, आणि हे गुप्तेचं म्हणजे दुर्गेचं क्लिअरली अंकन आहे की ती सिंहावरती बसलेली आहे। आता हिच्या हातामध्ये काय आहे याचं ज्यावेळी आपण पाहतो हा पाश आहे, पाशची मला वाटतं तुम्हाला आयडिया असेल, पाश म्हणजे फास, की तुम्ही कुठली गोष्ट जसं अडकवता तर तो हा फास आहे, आणि या हातामध्ये कॉर्नोकुपिया आहे। आता कॉर्नोकुपियाचा अर्थ होतो मराठीमध्ये बीजकोश, इसका मतलब होता है बीजकोश। तो बीजकोश में क्या होता है कि ये भी नेचर का ही डिपिक्शन है, ध्यान में रखिए कि ये नेचर का डिपिक्शन कैसे है कि बीजकोश क्या होता है, पहले के जमाने में ये होता था जब कोई किसान होता था तो किसान को उसकी जो फसल है वो फसल जब वो ग्रो करता है तो उसके लिए उसे म्हणजे त्याला बिया लागत होत्या, और वो कहाँ पे रखता, तो वो ये बीजकोश में रखता था। और ये बीजकोश किससे बनाया जाता था, तो भोपळा तुम्हाला माहिती आहे, भोपळा आतून म्हणजे ज्यावेळी तो वाळतो तर त्यावेळी तो आतून पूर्ण पोकळ होत असतो, तर त्यामध्ये ते सगळे बिया टाकून त्याचं सेफली ठेवण्यात येत होतं, और उसे कहा जाता है ये बीजकोश, जो इस दुर्गा के हाथ में हमें देखने को मिल रहा है। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। देन अगेन दिस इज गंगा, गॉडेस गंगा।
अब ये गंगा है, ये कैसे पता चला? ये गंगा है क्योंकि इसका जो वाहन है ये मकर, और मकर क्या है, मकर ये दो डिफरेंट एनिमल्स का एक मिलाकर ये मकर होता है। ये आप गूगल कर लीजिए या कहीं पे पढ़ने को जरूर मिलेगा आपको मकर वगैरह और उसकी हिस्ट्री, उसका पुराण में उल्लेख वगैरह सब कुछ, और उसके हाथ में जो है ये फूल हमें देखने को मिल रहा है। तो ये गंगा गॉडेस का अंकन है। देन अगेन दिस इज कॉइन ऑफ मुगल किंग अकबर। आप विश्वास नहीं करेंगे, आपको पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता होगा तो बता देता हूँ कि ये कॉइन अकबर का ही है, और अकबर ने उसके राज में दो तरह के ऐसे सिक्के निकाले थे जिन पर राम सीता का अंकन था। पहला तो था कि गोल्ड मोहर और दूसरा सिल्वर रुपया। तो ये गोल्ड मोहर पे ही ऐसा ही अंकन होता था और ये सिल्वर रुपये पे ऐसा है जिस पर राम सीता जो है ये वनवास में जाए, और यहाँ पे ऊपर यहाँ पे राम सीता हुआ हमें दिख रहा है, और नीचे ये अमरदाद मंथ है, माह अमरदाद करके उसका मंथली उन्होंने शुरू किया था मंथ डालना कॉइन पे, इसलिए वो अमरदाद लिखा हुआ है। वो इस्लामिक जो मंथ्स रहते हैं उसमें का एक है अमरदाद। तो ये उसका अंकन है राम और सीता का। तो इससे हमें अकबर की जो सहिष्णुता है वो देखने को मिलती है। सेक्युलरिज्म कैन बी सीन ऑन दिस कॉइन। अगेन ये जो कॉइन है ये है हंगल का, कदमबाज ऑफ हंगल, और ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल कॉइन है। हाथ में लेकर आप देखोगे तो बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग है। तो यहाँ पे हमें हनुमान दिखता है बैठा हुआ, ये मोर्चे दोनों साइड है, और नीचे यहाँ पे शंख दिखता है। तो ये हनुमान का अंकन है जो राइट साइड में इसका इन्होंने किया है, और ऑन द रिवर साइड ये कुछ डिजाइन है। तो ऐसे डेटीज बोलेंगे या डाइटीज बोलेंगे हमें देखने को मिलती है, गॉडेसेस देखने को मिलते हैं कॉइन्स पे। तो इस और तो इस पे कुछ सवाल किसी को गॉडेसेस के अंकन पर? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड देन। नेक्स्ट इज मोटिव्स ऑन कॉइन्स। मोटिव्स पे किंग्स का डिपिक्शन भी होता है, अभी तक देखे जिन पर किंग्स का डिपिक्शन है, जैसे कि कुशान कॉइन। अब इस पर ऑब्जर्व करने जैसी बात यह है कि जैसे किंग बदलता है वैसे उसकी और डायनेस्टी बदलती है, वैसे ही उसका जो रहने का जो स्टाइल है ना वो बदल जाता है। तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से हम उस पर देख सकते हैं। जैसे कि ये पहला कॉइन है, हम देख पा रहे कि ये कुशान का कॉइन है, कनिष्क किंग का। तो उसकी दाढ़ी हम देखेंगे बहुत ही बड़ी है, और उसके हाथ में कमंडल है, हाथ में कुछ ये भाला जिसे हम बोलते हैं वैसा है, और ये तलवार यहाँ पे लगाई हुई है। तो ये बहुत ही, और उसका नाक नोज अगर हम देखेंगे तो बहुत ही स्ट्रेट और देखने को मिल रहा है। तो ऐसा इसका डिपिक्शन है। और ये अगर हम देखेंगे अर्ली कुशान कॉइन्स अगर देखेंगे तो हमें पता चलता है कि ये इंडियन तो नहीं होंगे, क्योंकि इनका जो सारा पहराव जिसे हम बोलते हैं वो देखने के बाद तो ये क्लियर हो जाता है कि ये इंडियन नहीं होंगे। देन दिस इज कॉइन ऑफ गुप्त। यहाँ पे काच देखने को मिल रहा है, ये च है और ये का, तो ये काच गुप्त का कॉइन है। और इस पे भी उसका जो डिपिक्शन देख सकते हैं कि यहाँ पे गले में कुछ अलग अलग मालाएं पहनी हुई है, कान में इतना बड़ा है, और उसके पीछे कुछ उसने खुद को बड़ा बनाने के लिए या दिखाने के लिए ये कुछ बनाया है, और ये सारी चीजें। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगेन ये अगर ये देखेंगे तो ये चंद्रगुप्त का कॉइन है, तो इसपे भी ये हाथ में बाण है उसके, और मतलब ये धनुष है इस साइड में और ये बाण है, तो धनुष बाण लेकर ये खड़ा है। और यहाँ पे उनका जो एम्बलम था गरुड़, वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये उनके जो राज दंड था वो दंड पे खड़ा है गरुड़, ऐसा उन्होंने यहाँ पे डिपिक्शन किया है। और उनकी हेयर स्टाइल भी यहाँ पे देखी जा सकती है, उनकी बाकी भी स्टाइल्स जो है मतलब रहने की स्टाइल हो, कुछ चीजें पहनने की स्टाइल हो, भी यहाँ पे देखी जा सकती है। अगेन नीचे अगर आप देखेंगे तो ये सारे कॉइन जहांगीर के, तो ये जहांगीर के जो कॉइन थे ये जहांगीर ने मिंट किए थे, उनको पसंद था ऐसे कॉइन मिंट करना। तो ये पहला कॉइन जो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे हाफ पोर्ट्रेट है जहांगीर का, और उसके पीछे आपको सन दिख सकता है, सन देखेंगे आप, क्योंकि वो तो खुद को बहुत ही बड़ा मानते थे। एक्चुअली दे वेर बिग एट दैट टाइम, बहुत ही बड़े थे, क्योंकि इतना बड़ा मुगल एम्पायर संभालना कुछ मजाक नहीं था। तो उन्होंने वैसा डिपिक्ट किया है। और ये मोहर पॉइंट है, मोहर परिमाण का, जिसे हम मोहर परिमाण बोलते हैं। देन अगेन ये जो सेकेंड कॉइन देखेंगे तो इस सेकेंड कॉइन पे आपको देखने को मिलेगा कि ये भी जहांगीर है। जहांगीर वॉज वेरी शौकीन मैन,
तो इसके हाथ में ये प्याला जिसे हम बोलते हैं गॉबलेट वो है हाथ में, और जहांगीर उसके तख्त पे जो है ये बैठा है, ये तख्त भी हम देख सकते हैं ओके। और उसके बाजू में जो है वो लिखा हुआ है उसपे अगर हम देखेंगे तो इस साइड में जो है ये हमें पढ़ने को मिलता है कि किजाए बार सिक्का एजद कर्द तस्वीर साहिब हजरत शाह जहांगीर, ऐसा हमें पढ़ने को मिलता है इस साइड में। और दूसरी साइड में जो है वो हमें देखने को मिलता है कि जरब अजमेर, ये अजमेर मिंट का कॉइन है, और राइट साइड में है कि या मुइन सनह नाइन, कि ये नाइन्थ उसके रिग्नल ईयर में ये कॉइन मिंट किया है। तो ऐसा कुछ ये कॉइन है, ये बहुत ही सुंदर कॉइन है जहांगीर का और एक्सट्रीमली रेयर है। देन अगेन दिस इज ऑल्सो कॉइन ऑफ द सेम टाइप, पर थोड़ा चेहरे में थोड़ा बदलाव हमें देखने को यहाँ पे मिल सकता है फर्स्ट और थर्ड कॉइन में। अगेन ये फर्स्ट कॉइन जो है ये ये अकबर का पोर्ट है, पर ये कॉइन मिंट किया था जहांगीर ने। जहांगीर जब राज्य पे आया तो तभी उन्होंने फर्स्ट ईयर में उनके ये कॉइन मिंट किया था कि उनके स्मरणार्थ हम बोल सकते हैं, उनके कमोमरेशन में उनका कमोमरेटिव कॉइन हम ये बोल सकते हैं, क्योंकि इस पे बाकी तो कुछ लिखा नहीं है, पर ये कमोमरेटिव कॉइन हो सकता है। इस पर अकबर का डिपिक्शन है और बाकी कुछ इंस्क्रिप्शन है, और ये जहांगीर ने मिंट किया था। अब इन चारों कॉइन्स में अगर आप देखेंगे तो इनकी पगड़ी जो है, पगड़ी की जो पहनने की पद्धत है वो बहुत इंटरेस्टिंग और अलग अलग है। कुछ लोग हैं जो इसका सेपरेटली स्टडी करते हैं, तो उन्होंने ये भी देखना चाहिए। ये चार कॉइन्स, अगर आप सिर्फ ये चार कॉइन्स देखेंगे तो इसमें आपको बहुत सा बदलाव पगड़ी में देखने को मिलता है। ये ग्वालियर का कॉइन है, ये जिवाजीराव शिंदे जो थे उनका ये कॉइन है पाव आना का, तो इसपे भी आपको डिपिक्शन मिलता है किंग का। देन अगेन ये जो है ये यशवंतराव होलकर का कॉइन है, यहाँ पे भी आपको इनकी एक अलग तरह की पगड़ी दिखाई पड़ती है, और पीछे छत्र है और सन है। तो और ये जो है ये टोकन है एक सिरोही स्टेट का। देयर वर मेनी व्हाट वी कैन कॉल मींस प्रेसिडेंशियल और कि जिन्होंने ऐसे अपने खुद के कॉइन निकाले थे, इनका बहुत ही डीप स्टडी एक्चुअली। एंड नाउ आई एम स्टडिंग ऑन दी कॉइन्स ऑफ दिस प्रिंसली स्टेट्स, और पर्टिकुलरली मैं ऐसे स्टडी कर रहा हूं कि पर्टिकुलरली उनके कॉइन्स पे जो वेपन्स आते हैं, तो उन वेपन्स का मैं स्टडी कर रहा हूं, और उसका रियल वेपन्स के साथ में कुछ मतलब है दिमाग में कि कुछ अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकूं। तो अलग अलग तरह के कॉइन्स उन्हें मिंट किए थे, और अलग अलग तरह से इसकी स्टडी हो सकती है। तो ये सिरोही स्टेट का कॉइन यहाँ पे देखा जा सकता है ओके। तो अब स्क्रिप्ट और लेजेंड्स के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली वी हैव ओनली 25 मिनट्स नाउ, बट वी विल ट्राई टू कवर अप फास्ट। अलग अलग स्क्रिप्ट्स आपको देखने की मिलती है। दिस इज कॉइन ऑफ अगाथोक्लियस, देन दिस इज कॉइन ऑफ पेंटिलियन, वेयर पंतलेवस ऐसा लिखा है, और यहाँ पे अगाथोक्लियस ऐसा लिखा है। देन अगेन ये जो कॉइन है इसका विमा कड़फिस का, तो यहाँ पे हमें ये रिवर्स में खरोष्टी लेजेंड देखने को मिलता है। इस पे लिखा होता है कि महाराजस राजती राजस सर्व लोगा ईश्वरस माहेश्वरस विमा कड़पिसस त्रतरु, ऐसा लिखा होता है। और ऑबवर्स में किंग कनिष्क किंग विमा कड़पिस ऐसा लिखा होता है। तो ये इस टाइप के कॉइन है डिफरेंट स्क्रिप्ट्स के। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ग्रीक और ब्राह्मी है, यहाँ पे ग्रीक और खरोष्टी है, यहाँ पे ग्रीक और ब्राह्मी है प्राइमरी, ये वासुदेव का कॉइन है, यहाँ पे वासु लिखा हुआ आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आप अगर आएंगे तो अभी ग्रीक का जो प्रभाव है इंडियन कॉइन्स पर वो थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है इन द फर्स्ट सेंचुरी सेकेंड सेंचुरी। अब यहाँ पे ग्रीक और ब्राह्मी है, यहाँ पे वेस्टर्न क्षेत्र कॉइन्स पे मैंने बुक में भी ये दिया है कि यहाँ पे जो लेजेंड्स रहते हैं ऑन द ऑबवर्स साइड ये कुछ क्रूड लेजेंड्स रहते हैं, इनका कुछ मतलब लगता नहीं है। नहपान के तो कुछ कॉइन्स का लेजेंड का मतलब लगा है, पर बाकी कॉइन का नहीं लगा। तो इस पे भी आप ये नहपान की ये अलग अलग स्क्रिप्ट है, ब्राह्मी खरोष्टी ग्रीक, देन आगे के कॉइन्स छत्रपास के, उन्होंने तो सिर्फ ब्राह्मी में ही उनके कॉइन्स मिंट किए, बाकी कोई स्क्रिप्ट का यूज नहीं किया। यहाँ पे ऑबवर्स में कुछ लिखा है ग्रीक में, पर उसका मतलब नहीं लगता। देन अगेन ये जो कॉइन है ये तीसरी बार चौथी बार में दिखा रहा हूं, मैंने एक ही कॉइन का एग्जांपल इसलिए लिया कि ये कॉइन आपका पूरा समझ में आना चाहिए। तो ऑबवर्स में तो ऑफकोर्स दिस इज ब्राह्मी वासिटी पुत्र से श्री पुडुमावी सर, बट रिवर्स में जो है ये प्राकृत भाषा ऑबवर्स में है और ब्राह्मी लिपि ऑबवर्स में है। पर रिवर्स में अगर आप देखेंगे तो रिवर्स में ब्राह्मी लिपि है, पर भाषा अगर आप बोलेंगे तो ये तेलुगु है।
तेलुगु लेजेंड है और उस तेलुगु लेजेंड में लिखा हुआ है उन्होंने अरहानुकु वाहिप्ती महानकु तिरु पुलुमाविकु। तो इसका मतलब भी वही होता है वशिष्ठ पुत्र श्री पुलुमावि। तो ये तेलुगु प्लस प्राकृत ऐसा ये कॉम्बिनेशन है। अगेन ये अगर हम देखेंगे तो ये भी कॉइन है समुद्रगुप्त का। यहाँ पे समुद्र लिखा हुआ है, पीछे में पराक्रम है लिखा हुआ है और बाजू में उसका एक लेजेंड होता है कि समर सतवित तवी विजयु और आगे होता है जितरी पुरा जीतो दिवम जयति। एक बार फिर से पढ़ता हूँ, समरसत वितत विजयो विजरी पुरा जीतो दिवम जयति। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया। वो बोलते हैं कि ये एक बलाढ्य राजा है और उन्होंने बहुत ही ज्यादा जो है आज तक राज्य जीते हैं और बैटल्स जीते हैं और अब ये स्वर्ग जीतने वाले है, ऐसा उस पर उल्लेख है। तो ये बहुत ही मतलब ये बहुत पावरफुल होने का सिंबल को मिलता है। वैसे भी वो पीछे में पराक्रम मतलब पावरफुल है वो तो लिखते ही है। तो ये लेजेंड्स। अगेन व्हेन वी कम टू द 11th 12th सेंचुरी, तो ये कॉइन है हिंदूशाही डायनेस्टीज के श्री सामंत देव, ये किंग का ये कॉइन है। तो ये सामंत देव का कॉइन, इस पर ये हमें ब्राह्मी टू देवनागरी का अभी ये देखने को मिल रहा है, प्रवास जिसे हम बोलते हैं वो देखने को यहाँ मिल रहा है। अगेन दिस इज कॉइन ऑफ महादेव, यहाँ पे पूरी हमें देवनागरी देखने को मिलती है। अभी ये भी कॉइन मैं आपको पूरे पढ़ के बताने वाला था पर हमारे पास वक्त बहुत कम है इसलिए ये छोटा सा पढ़ के बता देता हूँ। ये जो है ये ब्लू में जर्ब है, ग्रीन में औरंगाबाद है, ब्लू ये जो डार्क ब्लू हम देख रहे हैं इस ये जुलूस है, ब्लू में मैमनत और ये मानुस और ऑन सिक्का जद दर जहान चू बद्र चू मिहिर मुनीर शाह औरंगजेब आलमगीर। तो ये औरंगजेब का सिक्का है और उसके उस पे ये लिखा हुआ है। तो अभी फॉर्जरी ऑफ कॉइंस, अभी मुझे एक बताइए, हमारे पास वक्त बहुत कम है तो आपको फॉर्जरी ऑफ कॉइंस जानना है या आपको मिंटिंग टेक्निक्स जाननी है? आज तो हम इसमें का एक ही ले सकते हैं, तो आप अगर कोई ऑप्शन देंगे तो फिर हम वो कंटिन्यू करेंगे। आपको फॉर्जरी ऑफ कॉइंस जानना है या मिंटिंग ऑफ कॉइंस जानना है? मिंटिंग। मोकाशी मैम प्लीज कैन यू, रूपाली मैम प्लीज। स्टूडेंट्स सर विचारता है तुम्हारा फॉर्जरी किंवा मिंटिंग टेक्निक्स? ओके सो मिंटिंग टेक्निक्स, ठीक है मिंटिंग टेक्निक्स में अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, फॉर्जरी ही खूप इंटरेस्टिंग होतं सांगण्यासाठी पण आपल्याकडे तेवढा वेळ नाही, हे तासभराचं सेशन तास दीड तासाचं सेशन होऊ शकतं यावरती फक्त फॉर्जरी। आय नो इवन फॉर्जरी इज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक आहे तरी मी हाँ ठीक है तरी मी एक मिनटा मैं सांगून देतो। फॉर्जरी आपल्याकडे सुरू काही आज झालेली नाही, फॉर्जरी आपल्याकडे मागच्या 2000 वर्षापासून सुरू आहे आणि हे पंचमार्क कॉइन आहे जे कंटेम्पररी फॉर्ज आहे। कंटेम्पररी म्हणजे त्या काळात बनवलेलं खोटं नाणं। ओके, यामध्ये आतमध्ये हे कॉइन बनवलेलं आहे कॉपरने आणि यावरती सिल्वर प्लेटिंग केलेली आहे, तर त्यामुळे आपल्याला हे कॉइन हे समजतं। ऍक्च्युली याचे उल्लेख अगदी अर्थशास्त्र कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रात सुद्धा आहेत की जर तुमच्याकडे म्हणजे खोटे नाणे असतील तर त्याचं काय करायचं, त्याची शिक्षा काय द्यायची वगैरे वगैरे, त्यासाठी तुम्ही कौटिल्याचं अर्थशास्त्र वाचू शकता डिटेलमध्ये। त्यानंतर हे यौधेय राज्याचे काय कॉइन्स जे कंटेम्पररी फॉर्ज बनवण्यासाठी या डाईज बनवलेल्या आहेत। हां, आता हे जर पाहायचं म्हटलं ना तर हा औरंगजेबचे हे दोन कॉइन्स आहेत, दोन्ही कॉइन्स 17th सेंचुरीचे आहेत, पण हा राईटचा कॉइन जो आहे हा आहे फॉर्जरी कंटेम्पररी आणि हा ओरिजिनल। तर हा त्याच काळात बनवलेला फेक रुपया आणि हा त्याच काळात बनवलेला ओरिजिनल रुपया। तो आप देख सकते की ये कंटेम्पररी फॉर्जरी कॉइन्स होते। दिस कॉइन इज फ्रॉम माय पर्सनल कलेक्शन और दिस इज मेडअप ऑफ कॉपर और इस पर सिल्वर प्लेटिंग की गई है। तो एक रेफरन्स म्हणून आवर्जून सांगतो की संत तुकारामांच्या गाथेमध्ये उल्लेख झालेला आहे, म्हणतात तांबी मुला माचे नाने न चाले खऱ्या मोले जरी हिंडविले देशो देशी। ऐसा होता है कि अगर कोई कॉइन ऐसा प्लेटेड है और वो आप अगर कहीं पे भी लेके जाते हैं तो लोग पहचान लेंगे कि ये फेक है, जो ओरिजिनल है वही चलेगा, ऐसा उन्होंने अपने जो तुकाराम गाथा है उसमें उल्लेख किया है। और ये बहुत ही अच्छा उल्लेख है, ऐसे और भी है मैं बताने वाला था पर अपने पास टाइम नहीं है। ये जो नीचे का है ये डाई मेरे पर्सनल कलेक्शन की है और ये डाई उस वक्त फॉर्जरी कॉइन्स बनाने के लिए यूज होती थी। अब ये डाई ध्यान से देख लीजिए क्योंकि आगे जो मैं कास्टिंग के बारे में बताने वाला हूँ तो आपको ये डाई समझने में मदद होगी वहां पे।
ये लेटेस्ट फॉर्जरी कॉइन ऑफ 5 रुपीज अभी सर्कुलेशन में है, मुझे भी बहुत बार मिले ऐसे कॉइन फॉर्जरी जो अभी भी चल रहे सर्कुलेशन में। ये एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया हुआ फॉर्जरी कॉइन, पर ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है इसीलिए हमें इसे कॉपी बोल सकते हैं, फॉर्जरी नहीं बोल सकते और बोलना नहीं चाहिए अगर ये एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया है तो। पर अब ये कॉइन जो है ये एजुकेशनल पर्पस के लिए कैसे, तो इसका मतलब ये है कि ये तब जिन्होंने बनाया उन्होंने एक किया कि ये कॉइन अंदर में से सिल्वर है और ऊपर इस पर गोल्ड की कोटिंग है, तो कोई ये कॉइन फेक बोल के बेच नहीं सकता या ओरिजिनल बोल के बेच नहीं सकता कि ये शिवाजी महाराज का ओरिजिनल होन है और आप खरीद लो, ऐसा नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि ये बीच में से सिल्वर है और ये दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल टू मेक कॉइन्स, टू मेक कॉपीज फॉर एजुकेशनल पर्पस। अभी ये कॉइन देखिए, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की शिवराय की कॉपी है, पर आप देखेंगे तो ये पूरा ओरिजिनल कॉइन लगता है। तो इसका ये हुआ था 2 साल पहले की बात है, एक मैगजीन निकली थी, उसका नाम नहीं बताऊंगा, पर एक मैगजीन निकली थी, उस मैगजीन के साथ में उन्होंने ये उसकी कॉपीज कॉइन गिफ्ट किए थे। तो गिफ्ट करने के बाद ये हुआ, कुछ 4-6 महीने चले गए और उसके बाद एक व्यक्ति मेरे पास आए और उन्होंने मुझे सिक्का दिखाया और बोले कि ये मेरे पास है और मेरे परदादा के पास था, दादा के पास था और उन्होंने मुझे दिया और आप ये खरीद लीजिए। तो तब मैंने उसे बताया कि ये कॉइन फेक है और अभी अभी बना था 2 साल पहले। तो फिर उसने बताया कि यस, कि ये फेक था पर मुझे मालूम नहीं था ऐसा कुछ, तो भी उसने बताया और बात को पलटा दिया। बताने का मतलब ये है कि इस तरह की फॉर्जरी नहीं होनी चाहिए, अगर ये होगा तो बहुत ही ज्यादा नुकसान होने वाला है इतिहास का, हिस्ट्री का। ये जो कॉइन आप देख रहे हैं तो पूरी तरीके से फॉर्जरी है और बहुत इसमें लूटे गए हैं, ये शिवाजी महाराज के शिवराय कॉइन्स का फॉर्जरी है। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप से अगर कोई कलेक्शन करता है तो एक्सपर्ट को दिखाने से पहले सिक्के ना खरीदे, एक्सपर्ट को दिखाने के बाद ही सिक्के खरीदने चाहिए क्योंकि आजकल एक्सपर्ट भी फंस रहे हैं, तो आपको उतनी नहीं है। अगेन ये कॉइन्स, ये भी संभाजी महाराज के कॉइन्स है, ये भी सारे फेक है। अभी मैं डिटेल बताने वाला था कि ये कॉइन्स किस टेक्निक से बने हैं, कैसे बने हैं। ये नीचे का कॉइन जो है ये कास्टिंग से बना है, ये ऊपर के कॉइन डायस्ट्रक से बने हैं। अगेन ये भी कॉइन्स है, ये जो कॉइन है ये कॉइन है और ये नीचे के 2 फेक कॉइन है, बाकी ये जो कॉइन है ये ओरिजिनल कॉइन है। और ये ओरिजिनल कॉइन ऐसा दिखता है, उसने किसी ने कलाकारी करके ये फेक कॉइन बनाया है। उसने क्या किया, एक्चुअली ये कॉइन था शाह का, ये हम बोलते कोल्हापुर संस्थान क्यों और नागपुर जो थे, नागपुर के भोसले, उनके ये कॉइन्स थे। तो उसने कलाकार ने ये किया, अब इसका वैल्यू का बारे में बताऊंगा। तो अगर ये कॉइन पे सादा कॉइन रहा इसका नागपुर संस्थान का, तो ये कॉइन आपको 200-500 तक मिल जाएगा। पर अगर ऐसा कॉइन रहा जिस पर एक बाजू छत्रपति और दूसरी बाजू में उसका किंग का नाम है, तो ये लगभग 20,000-25,000 के ऊपर का कॉइन है। तो उसने क्या किया, उसने ये जो दूसरी साइड थी वो प्लेन कर दी और उस पे काट करके छत्रपति लिख दिया। तो ये कलाकारी है, तो आपको ये समझना चाहिए कि फॉर्जरी कॉइन्स ऐसे भी बनते हैं। देन अगेन इस पर जो है ये राम जो है ये इनग्रेव्ड किया गया है, इस पर कोई राम नहीं था, ये इनग्रेव किया गया है जस्ट फॉर लोगों को फंसाने के लिए और ज्यादा पैसे कमाने के लिए, क्योंकि अगर शिवराय का एक पर सिंबल आ गया उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो इसी वजह से इस कॉइन पर आप ये छत्र के बाद में जो है कटियार है, और ये कटियार उन्होंने ये तो बहुत ही इंक्लूसिव कॉइन था, एक्सक्लूसिव कॉइन था, जिसका बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिप्शन में दे सकता हूँ, पर अभी तो इतना ही बताऊंगा कि ये कटार उसने मिंट की थी उस कॉइन पे। दिस इज ऑल्सो नॉट ओरिजिनल कॉइन, तो ये सारे फेक कॉइन है। तो लेट्स कम टू द कॉइन मिंटिंग टेक्निक्स। मेरे पास कुछ वीडियोज भी है आपको दिखाने के लिए, मैं वीडियोज लास्ट में दिखाऊंगा, पहले टेक्निक्स के बारे में बता देता हूँ। तो मैं यहाँ नहीं दिखा पाया, तो आई विल ट्राई कि वीडियो मैं मैम को भेजूंगा और मैम वो वीडियो आप तक पहुंचा देंगे, तो आप वो समझ सकते हैं खुद ब खुद। तो पंचमार्क टेक्निक से स्टार्ट करते हैं। पंचमार्क कॉइन कैसे बनते हैं? पंचमार्क कॉइन की एक प्रोसेस रहती है। पहली बात तो ये है कि पंचमार्क कॉइन्स का, जैसे मैंने पहले ही बताया कि उसका शेप क्या है ये मायने नहीं रखता, उसका वेट मायने रखता है। तो तब ये किया जाता था कि सिंपली एक शीट बनाई जाती थी। पहले तो एक प्योर मेटल लिया जाता था, प्योर मेटल पिघलाया जाता था, पिघलाने के बाद उस थिन शीट रेडी की जाती थी। उस थीन शीट के अलग अलग शेप्स निकाले जाते थे ऐसे, वो शेप्स निकालने के बाद डाइज रहते थे ऐसे,
जिस पर अलग अलग सिंबल पंच होते थे। आपको लगे कि ये सारे सिंबल एक ही डाई से पंच किए गए हैं, तो ऐसा नहीं है। ये सारे सिंबल अलग अलग डाई से पंच किए गए हैं, इस तरह के डाई। तो ये जो है ये डाई लिया आपने और ये डाई लेकर यहाँ पे रखा, और यहाँ पे रखकर मैंने ऊपर से हथौड़ी से ऐसे धीरे से मारा, क्योंकि ये कॉइन्स तो बहुत ही छोटे थे तो बहुत जोर लगाने की कुछ जरूरत नहीं थी। मारा तो ये कॉइन ऐसा बन गया। तो फिर मैं ऐसे अलग अलग सिंबल्स पंच करता हूँ। अब बहुत से कॉइन्स आपके पास आते हैं जिन पर रिवर्स में भी सिंबल होते हैं। जब पंचमार कॉइन्स बनते थे तो उनको रिवर्स में सिंबल नहीं होता था, ये यूनिफेस कॉइन होते थे। पर जब ये कॉइन सर्कुलेशन में जाते थे तो सर्कुलेशन में जाने के बाद इनका ये प्योर है या नहीं है ये चेक करता था सराफ। तो सराफ कैसे चेक करता था, इसके भी अलग अलग टेक्निक्स होती थी। मीडियवल इंडिया में ये टेक्निक होती थी कि वो एक तो उसका थोड़ा टुकड़ा निकालेगा कॉइन का, नहीं तो फिर उसमें यहाँ पे कुछ होल करके चेक करेगा कि अंदर कोई दूसरा मेटल तो नहीं है। तो और एंशियंट इंडिया में इसकी टेक्निक ये थी कि रिवर्स पे ये कुछ सिंबल्स सराफ मार्क जिसे हम बोलते हैं वो डालते थे और बता देते थे कि दिस इज प्योर कॉइन, आई हैव चेक्ड इट, ये चेक किया हुआ कॉइन है। और ये मिंट कैसे किया जाता था, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये डाई ली, ये डाई ऐसी होती थी और ये ऐसे रखी और ऊपर से मार दिया, तो ऐसे ये कॉइन्स रेडी हो जाता था। ओके, तो पंचमार टेक्निक के बारे में किसी को कुछ सवाल? यस एनीवन? हेलो सर, विल कंटिन्यू। ओके ओके ठीक है, आवाज नहीं आला तुमचा काही बोलतो? हाँ, काही काही प्रश्न आहेत का पंचमार्क टेक्निक बद्दल? नाही नाही, ऑल क्लियर। ठीक आहे, म्हणजे कारण की काय आहे की हे तुम्ही आधी तुम्ही जेव्हा हे परफेक्टली समजून त्यावेळी तुम्ही स्वतः सुद्धा या पद्धतीचे कॉइन बनवू शकाल, इतकं तुम्हाला यावर परफेक्ट होणं गरजेचं आहे। म्हणून मी विचारले कोणाला प्रश्न असतील तर, म्हणजे मी जर आता तिथे असतो तर मी तुम्हाला हे कॉइन्स बनवून दाखवले असते प्रत्यक्ष, कारण की माझ्याकडे त्या सगळ्या गोष्टी आहेत जे हे बनवण्यासाठी लागतात, म्हणजे मी ते तयार करून घेतले। आता कास्टिंग टेक्निकचा विचार करूया। कास्टिंग टेक्निक ऐसी टेक्निक है जो बहुत ही हार्ड टेक्निक थी और बहुत ही कम समय के लिए यूज हुई। अब ये पहला जो आपको ये दिख रहा है, तो दिस वॉज फाउंड इन द एक्सकेवेशन ऑफ रोहतक, रोहतक इज इन हरियाणा। तो ये बताता हूँ ये क्या होता है, ये डिस्क है। ये डिस्क कैसी होती थी, ये ऐसी डिस्क होती थी। तो इस डिस्क में अलग अलग जो है ये एनग्रेव्ड होता था। एनग्रेव्ड होने के बाद ये नीचे की डिस्क रखते थे, उसके बाद ऊपर का एनग्रेव करते थे और वो ऊपर की डिस्क रखते थे। तो ऐसे डिस्क एक साथ रखते थे, उसके बाद उसमें ये जो हम उसको गारनी बोलते हैं या वेसल बोलते हैं वो डालते थे, और उसमें जो है आपका मेटल जो है वो डाला जाता था। मेटल डालने के बाद ये लगाने के बाद इसको ये मिट्टी से पूरा मतलब ढक देते थे, पूरी मिट्टी लगा देते थे बाजू से, और जब तक वो जो अंदर का मेटल है वो सख्त नहीं हो जाता तब तक वो रखते थे। ये देखिए आप नीचे से देख सकते हैं, ये यहाँ पे ये ऊपर से मेटल डाला जा रहा है और ये ऐसी इसमें फिर क्या होगा, ये जब इसमें गिरेगा यहाँ पे गिरेगा तो ये अपने आप ऐसे फैलेगा, तो जब ये फैलेगा तो इसमें जाकर फंस जाएगा। उसके बाद क्या होता था, एक बार ये फिक्स हो गए, कुछ समय हो गया, और समय के बाद आपको डायरेक्टली ये पूरी जो डाई है पूरी तोड़नी पड़ती थी, ये फिर से यूज नहीं होती थी। ये एक बार की डाई एक ही बार यूज होती थी। तो जितने कॉइन्स आपको बनाने हैं उतनी डाई आपको तैयार करनी थी। बहुत ही हार्ड टेक्निक थी और दिस वॉज वेरी टाइम टेकिंग टेक्निक टू मिंट कॉइन्स, इसलिए ये ज्यादा दिन तक नहीं चली। ये भी एक ओरिजिनल डाई है मिली हुई, यहाँ पे आप एलिफेंट वगैरह देख सकते हैं। तो ये एलिफेंट अगर ऐसा है तो फिर इसमें पोर करेंगे डालेंगे ये मेटल, और मेटल डालने के बाद कॉइन रेडी हो जाएगा। ये हो गई कास्टिंग टेक्निक। अभी इसकी मेटलर्जी जो है वो कुछ अलग सब्जेक्ट होगा, उस पर भी बहुत सारा बोला जा सकता है कि उसकी मेटलर्जी क्या होगी, कॉइन कैसे बनते हैं, क्योंकि प्योर मेटल के तो कॉइन नहीं बनते। कॉइन में जब तक आप जो पर्यंत तुम्हें कॉइन मध्य कहीं भेसर करत नहीं, जब तक आप वो मिक्स करते नहीं, उसका एलॉय नहीं बनाएंगे, तब तक वो कॉइन रेडी नहीं होता है। तो उसका भी कुछ प्रमाण होता था कॉइन मेटलर्जी का, उसके मेटल्स का। तो इस तरह से ये कास्टिंग टेक्निक से कॉइन बनाए जाते थे। अब कास्टिंग टेक्निक में भी अलग अलग टेक्निक्स है।
वो है सिंगल मोल्ड टेक्निक है, डबल मोल्ड टेक्निक है। अब ये देखिए, ये भी अलग एक उसका हम क्या बोल सकते हैं उसको, ये पंजाब से मिला है सुनेत से, एक डाई है कॉइन की, ये भी उन्हीं मतलब कास्टिंग टेक्निक से बनाए गए कॉइन्स की ही डाई है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ये होल रखा गया है कि जिससे आप मेटल डालेंगे इसमें, तो ये मेटल डालने के बाद अब इस आ जाएगा, तो एक बार आप इसमें चार कॉइन बना सकते हैं। ओके, इसमें कॉइन इसमें एक आप दो चार छह और आठ कॉइन बना सकते हैं, पर इसमें पूरे इसमें आप चार कॉइन बना सकते हैं, क्योंकि ये ऑबवर्स की डाय रिवर्स की डाय, ऑबवर्स की डाय रिवर्स की डाय, ऐसा करके ये कॉइन्स रेडी हो जाएंगे। तो दिस वाज वन डाय ऑफ व्हिच वाज यूज्ड टू मेक कास्ट कॉइन्स। कास्ट कॉइन कैसे होते थे, अब इसका एग्जांपल लिखेंगे। मैंने जो बोला है वन मोल्ड कॉइन्स, सिंगल मोल्ड की जो कास्टिंग टेक्निक थी वो ये कॉइन्स है, ये कास्टिंग से ही बनाया गया है, पर इस पर पर एक ही फेस पे लिखा गया है। ओके, तो ये रिवर्स जो है ये इसका प्लेन है पूरा और ऑबवर्स में ही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनका जो डाई है एक ही बाजू में एनग्रेव था, उनको एक ही बाजू में कुछ एनग्रेव चाहिए था या कुछ डिपिक्शन चाहिए था, तो इसलिए इन्होंने सिंगल मोल्ड कॉइन है। लेट्स सी दिस कॉइन, दिस इज डबल मोल्डेड कॉइन ऑफ शुंगा। शुंगा जो थे ये शुंगा के कॉइन है, और मैंने ये जानबूझकर ये कॉइन लिया क्योंकि इसमें ये जो ये पैच कैसे दिख रहे हैं, अगर आप देखेंगे ये कॉइन थोड़ा अलग है, पर बाकी एक सिस्टम थी जिसमें ये एक लाइन में बैठाए जाते थे और फिर पोर किया जाता था, फिर उसमें मेटल डाला जाता था, तो ये उस तरह के कॉइन है और ये अटैच ही रह गया, किसी ने इसे मतलब तोड़ा ही नहीं, ये तोड़ना पड़ता था, पूरा क्लीन करना पड़ता था और उसके बाद फिर कॉइन्स चलने के लिए। तो ये हो गया कास्टिंग टेक्निक के बारे में। अभी कास्टिंग टेक्निक में किसी को कुछ सवाल? नहीं सर। ओके ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड देन। अगला है डाइस्ट्रक टेक्निक, जो टेक्निक बहुत सालों तक चली, मतलब बहुत सालों तक, जब से शुरू हुआ मतलब एंशियंट इंडिया से, बाद में या कॉइन मिंटिंग के बारे में या कॉइन बनाने के बारे में कुछ पीछे ही था, क्योंकि जब इन्वेजन हुआ मतलब इंडिया पर, जो ग्रीक वगैरह उन्होंने जब इन्वेजन किया तो उनके कॉइन्स जो थे वो डाइस्ट्रक टेक्निक से बने हुए थे, पर फिर भी हम उस वक्त कॉइन कास्टिंग टेक्निक से बना रहे थे, जो इतने हार्ड टेक्निक थी, इट वॉज वेरी टाइम टेकिंग, बट फिर भी हम उसी से बना रहे थे। आपको इंटरेस्टिंगली बताना चाहूंगा कि मैंने किसी पर्सनल कलेक्शन में जो मैंने आपको सातवाहन सिल्वर कॉइन बताया, वो एक्चुअली सिल्वर कॉइन भी बहुत ज्यादा रेयर है, तो उसका डाई देखा था और उसको वो डाई जगह पर मिला था, मीन्स ही फाउंड, और आपको बता देता हूँ कहाँ पर मिला था, वो मिला था उसे पैटर्न में, पैटर्न जो है पैटर्न में उसे वो डाई मिला था। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर कॉइन इतने रेयर है तो उसके डाइज कितने रेयर होंगे, और वो कॉइन उसको डायरेक्टली डाई मिली है और मैंने उसे हाथ में लेकर देखा, तो इट वॉज एक्सट्रीमली ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस। तो वो बहुत ही ज्यादा लगा, भारी भारी लगा मुझे वो, क्योंकि वो बहुत ही रेयर कॉइन्स है। तो ऐसे कुछ डाइज हमें मिलते हैं, तो डाइस्ट्रक की बात करेंगे। डाइस्ट्रक कॉइन्स ये एंशियंट इंडिया से बनना शुरू हुआ है, जब से हमें पता चला कि ये टेक्निक से भी कॉइन बनाए जा सकते हैं, तो हमने वो शुरू कर दिया। जैसे कि कुशान कॉइन्स जो है वो सारे डाइस्ट्रक से बनाए गए हैं, उसके बाद हमारे गुप्ता कॉइन्स जो है वो सारे डाइस्ट्रक से बनाए गए हैं, उसके बाद जूजो कॉइन्स बनाए गए, वो बहुत ज्यादा कॉइन्स डाइस्ट्रक से बनाए गए हैं। डाइस्ट्रक टेक्निक होती क्या थी ये आपको बता देता हूँ। डाइस्ट्रक टेक्निक में देखिए, अब ये जो ये एक आदमी था जो लिखने वाला था, एक्चुअली ये भी बहुत ही वास्ट प्रोसेस है कि मेटल लाना, उसको लिखना, कितना मेटल लिया, क्या लिया, किसको दिया है बनाने के लिए, वो कितना उसके लिए रखने वाला है, कितना हमें देने वाला है, ये अलग अलग चीजें है उसकी, पर अभी शॉर्ट में देख लेंगे कि पहले एक करते थे, ये जो लोअर डाई है ये ऐसे फिक्स करते थे, उसके बाद ये अपर डाई होती थी, और आपको तो ये पता होगा कि ये जो दोनों डाइस थे ये निगेटिवली एनग्रेव्ड होते थे, और निगेटिवली एनग्रेव्ड कर ये दोनों डाइज रेडी होती थी। मैं आपको दिखाने वाला हूँ ओरिजिनल डाइज भी कैसे रहते थे, और इसमें जो है ये प्लैंचेट रखते थे। अब प्लैंचेट कैसे बनाए जाते थे, प्लैंचेट रेडी करने की भी कुछ टेक्निक होती थी, बताया जाता है ऐसा कि पहले तो आपको एक करना है,
की एक सैंड का बड़ा बॉक्स या कुछ मिट्टी का बनाना है और उसमें गोल गोल जो है ऐसे बनाकर कॉइन के साइज का बनाकर रख देना है और उसमें ये कास्टिंग का जैसे हमने देखा ये जैसे देखा ये वाला, तो ऐसा रखकर वो जोड़ देने हैं एक दूसरे से। तो वो जोड़ने के बाद क्या होगा, एक बाजू से मेटल डालना है जो मैं वीडियो आपको बता सारा था तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ सकता था वो, पर ठीक है। तो जब डालेंगे तो अपने आप गोल सिक्के जो है, मतलब उस पर कोई भी लिखा हुआ नहीं है पर वो गोल आकार के रेडी हो जाएंगे। जैसे ही वो गोल आकार के रेडी हो जाएंगे उसको ठंडा किया जाएगा, ठंडा करने के बाद उसको थोड़ा हम क्या बोलेंगे उसको हथौड़ी से बहुत अच्छा सा आकार दिया जाएगा। और आकार देने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि ये एक आदमी है, ये अपर डाई लेकर बैठा है और ये हथौड़ी से उसको मतलब ठोक रहा है, हथौड़ी से तला ठोकते है तो हथौड़ी ने सर। तो यहाँ पे ये बीच में जो है ये ब्लैंक फ्लैन रखेगा जो हमने अभी अभी रेडी किया है, वो फ्लैन रखने के बाद अच्छे से रखेंगे और ऊपर में से जोर से उसको मतलब हैमर करेंगे। तो वो हैमर करने के बाद जो है आपका कॉइन रेडी हो जाएगा दोनों साइड से। आपको एक साइड से एक बार और दूसरी साइड से दूसरी बार ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं, एक ही बार में आपका कॉइन रेडी हो जाएगा। तो इस टेक्निक से बहुत ज्यादा कॉइन मिंट करना पॉसिबल था, तो ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा फेमस हुई। इस तरीके से देखिए ये आदमी जो है ये हाथ में उसका रिवर्स का ये लेकर हाथ में खड़ा है और ये रखेगा और ये ऊपर से हैमर करेगा, तो हैमर करेगा तो फिर ये ऐसे सिक्के तैयार हो जाएंगे। तो इस तरीके से डायस्ट्रक टेक्निक जो है ये यूज होती थी। अभी इसका जो उल्लेख है ये एन ई अकबरी, अगर आपने किसी ने पढ़ी होगी तो उसमें मिंट एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा दिया हुआ है। ओके पूरी बातें दी हुई है मिंट एडमिनिस्ट्रेशन की, वो आप जरूर पढ़िएगा कि किसको क्या बोलते थे, डाई को क्या बोलते थे, बनाने वाले को क्या बोलते थे, जो लिखा पढ़ी करता था उसको क्या बोलते थे, ये अलग अलग उनके नाम थे। अब एग्जाम्पल बताऊं तो जो लिखा पढ़ी करता था वहां पे लिखता था ये सारा चीजें तो उसे मुशरिफ बोलते थे। और ये सारा मतलब जो मिंट जो था ना, तो ये मिंट पूरा का पूरा जो उसका दारोगा था मीन्स ये दीवानी मीन्स इट वॉज अ फाइनेंस सेक्टर, दीवानी सेक्टर था, तो ये पूरा का पूरा दारोगा के अंडर आता था। दारोगा मतलब पुलिस, ओके जिसे हम आज पुलिस बोलते हैं तो मिडियवल इंडिया में इसे दारोगा बोला जाता था, तो ये दारोगा के अंदर आता था। तो फिर वो पूरा लिखता था ये मुशरिफ, फिर वहां पे सुपरिटेंडेंट जिसे हम बोलते दारोगा को, और वहां पे फिर वो जो मुशरिफ जो था अकाउंटेंट जो था वो जमावा खर्च इस नाम से मतलब जमा खर्च इस नाम से वो पूरा लिखता था कि जमा कितना हुआ, खर्च कितना हुआ वगैरह वगैरह। तो इसका एक आपको इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ कि जो बात इसकी है किसकी अपने या ये कॉइन्स किस मेटल से बनाए जाते थे, मतलब मेटल कहाँ से अवेलेबल होता था। इसकी दो टेक्निक्स थी, पहली बात तो ये थी कि आप मेटल डायरेक्टली अवेलेबल करिए बाहर से, और अगर अवेलेबल नहीं है तो पिछला जो किंग था उसके सिक्के जमा करके वो सिक्के पिघला कर आपके सिक्के बनाए। ऐसे ये दो टेक्निक से यूजुअली कॉइन्स मिंट होते थे। अभी ये डाई कॉइन ऐसा बनता था, फिर ये कॉइन ये डाई अगर स्ट्रक हो गई तो फिर ये कॉइन ऐसा बनता था। और फिर मैंने ये फ्लिप करके आपको दिखाया है कि ये डाई ऐसी है। ओके तो ये औरंगजेब का कॉइन है, अपवर्ड साइड की ये डाई है, तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके की डाई होती थी। और ये रायगढ़ फोर्ट जो है विच वॉज द कैपिटल ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज स्वराज्य, तो ये बताया जाता है कि ये वहां पे मिंट थी। और यहाँ पे जो कुछ चीजें सकते हैं तो इससे भी हम बोल सकते हैं कि ये मिंट हुई होगी, क्योंकि यहाँ पे मेटल पिघलाना या गलाना और उसके बाद फिर वो कॉइन बनाना, तो ऐसा हो सकता था। अगेन नेक्स्ट है रिपोजी टेक्निक। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक है। तो इस टेक्निक में क्या होता था, इस टेक्निक में एक ही डाई रहती थी, इस टेक्निक में दो डाइज नहीं रहते थे। रिपोज टेक्निक आज भी यूज होती है, पर आज ये कॉइन के लिए नहीं यूज होती, ये आज पेंडेंस वगैरह जो रहते हैं उसके लिए यूज होती है। और आप अगर स्टाइलिश या फैंसी ग्लासेस वगैरह देखेंगे व्हाइट मेटल में बने हुए या सिल्वर में बने हुए, तो वो जो है वो इस रिपोज टेक्निक से बनाए जाते थे। पहला ये कॉइन देखेंगे हम, दिस इज अ कॉइन ऑफ किंग प्रसन्न मित्रा ऑफ शरभपुरी डायनेस्टी। तो ये जो और ये जो कॉइन है इसका रिवर्स में आप देखेंगे कि रिवर्स में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, रिवर्स में इसका इम्प्रेशन है,
इसका एनग्रेव्ड हमें लगता है कि ये ऊपर मतलब यहाँ पे ये मिंट करते थे, ये पहले बता देता हूँ। इसकी एक ही डाई रहती थी और डाई लेने के बाद ये जो कॉइन्स ये इतने थिन रहते थे, पूरे थिन प्लैंचेट, अगर आप हाथ में लेकर देखेंगे तो इसका कुछ वेट भी नहीं लगेगा आपको, इतने वो थिन रहते थे, सिर्फ कम बहुत ही कम रहता था। तो ये लेते थे थिन प्लैंचेट, वो कट करते थे, मतलब पहले तो पूरी शीट बनाई जाती थी, फिर प्लैंचेट कट कर लेते थे क्योंकि इट वॉज ईजी कि ये थिन कॉइन्स थे। तो प्लैंचेट कट करने के बाद ये ऊपर की डाई थी इनके पास, ये नीचे रखते थे किसी कई इसके क्या बोलते हैं उसके वुड को भी, वुड के भी निशान आपको देखने को मिलेंगे, वो इसकी वजह से कि ये वुड वुड पे भी कुछ मतलब कई कई रखते थे। तो वो रखने के बाद जोर से मारेंगे तो ये ऐसा निकाल मतलब निकल आएगा बाहर, बहुत ही ज्यादा एनग्रेव्ड आपको लगेगा। आप हाथ ऐसे घूमा आपको ध्यान में आता है कॉइंस कितने मतलब स्पष्ट हमें दिखते हैं। तो ये इस तरह से रिपोजिटरी कॉइन बनाए जाते थे। लेकिन अगेन दिस इज अ कॉइन ऑफ हरी केला, ये गलत लिखा गया है, ये हरी केला का कॉइन है और ये भी वही टेक्निक से बनाया गया है, रिपोजिटरी टेक्निक से, जैसे मैंने आपको अभी बताया। और अगर अगेन ये दो कॉइन्स है, नॉर्थ डायनेस्टी का है, बस्तार रीजन का किंग वराह जो था उसका ये कॉइन है। तो ये भी कॉइन वही टेक्निक से बनाया गया है, यहाँ हम बुल देख सकते हैं व्हिच इज फेसिंग लेफ्ट, और यहाँ पे वही बुल राइट में दिख रहा है क्योंकि ये बैक में इम्प्रेशन है उसका। ओके, ये रिवर्स इम्प्रेशन है, ये कि ये ऐसा इम्प्रेशन नहीं है जो बाहर निकल के आता है, ये अंदर वाला इम्प्रेशन है जो अंदर में जाता है। अभी ऐसा ये समझाना जरा मुश्किल है। और ये चालुक्य का कॉइन है, राजभूषण जो किंग था उसके लिए एट्रीब्यूट किया गया है, ये भी कॉइन वही टेक्निक का है, पर ये पंच मार्क है, ये डाइस्ट्रक है, ये पंच मार्क है। ये पंच मार्क कैसे है क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा डाइज यूज किया गया है, ये कुछ एक डाई से मिंट नहीं किया गया है, और एक डाई से हो भी तो भी हम बोल सकते हैं, पर ज्यादा तो इसकी पॉसिबिलिटी ये है कि ये अलग अलग डाई से यूज किया गया है, कि बीच में एक स्ट्रक मारना और फिर बाजू में अलग अलग डाई से अलग अलग स्ट्रक मारना, और इसका रिवर्स इंप्रेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये थी रिपोजिटरी। उसके बाद जब कंपनीज आई हमारे यहाँ पे, बंगाल प्रेसिडेंसी आई, बॉम्बे प्रेसिडेंसी आई, तो वो तो फिर उन्होंने सेमी मशीन मेड टेक्निक का यूज करना शुरू किया। अभी सेमी मशीन मेड टेक्निक क्या है, तो वो मशीन यूज करते थे, पर करते ये थे मशीन में सिर्फ कॉइन फिक्स होता था और ऊपर से आपके हथौड़े से हैमर करते थे हाथ से, मतलब इसमें दोनों, इसमें आपका जो है मैन पावर भी यूज होता था और इसमें मशीन का भी यूज होता था, तो इसीलिए हम इसे सेमी मशीन में टेक्निक बोलते थे। अब इसका किस्सा आपको बताता हूँ। हुआ ये कि दिल्ली में ये 1818 की बात है कि दिल्ली की मिंट जो थी जहाँ पे डाइस्ट्रक टेक्निक से कॉइन बनाए जाते थे मुगल किंग के नाम से, पर जब प्रेसिडेंसीज आई, जब इन्होंने ये मशीन्स वगैरह लाई, तब किंग ने डायरेक्टली बताया कि अब मैं मिंट बंद कर रहा हूँ, अब मैं ये दिल्ली की मिंट बंद कर रहा हूँ। तो लोग शॉक हो गए क्योंकि ये लोग सालों साल म्हणजे पिढ्यान पिढ्या ये लोग त्यांच्या पूर्वजांपासून तेच काम करत होते। तो उन्होंने बोला कि अब हम काम करें तो क्या करें, मतलब हम बता इससे बोलते कि मॉडर्नाइजेशन जो है उससे कैसे फर्क पड़ता है लोगों पर, तो ऐसे फर्क पड़ता है। तो बहुत वहां पे लगभग एक दिन में 1000 सिक्के बनते थे, तो ये सारे लोग बेरोजगार हो गए ना। तभी वो बोले कि हम कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ भी करके थोड़े बहुत कॉइन्स यहाँ पे निकालो ही निकालो, नहीं तो फिर हम खाएंगे क्या, क्योंकि हमें तो कुछ आता नहीं है दूसरा। तो ऐसे भी किस्से हमें हिस्ट्री में पढ़ने को मिलते हैं। तो ये बंगाल प्रेसिडेंसी के कुछ कॉइन्स आपको देखने को मिल रहे हैं लेफ्ट साइड में। तो इसमें ये शाह आलम के नाम से है, शाह आलम बादशाह, और ये यहाँ पे जुलूस वगैरह सनह देखने को मिल रहा है। तो ये कॉइन्स है बंगाल प्रेसिडेंसी के सेमी मशीन मेड कॉइन्स। पर जब 1835 में यूनिफॉर्म कॉइनेज ब्रिटिशर्स ने शुरू किया, तो यूनिफॉर्म कॉइनेज के बाद तो फिर सारे कॉइन्स मशीन मेड टेक्निक से ही बनने शुरू हुए, कि मशीन मेड से ही, मतलब उसके बाद कोई ये डाइस्ट्रक ही है पर इसमें मैन पावर की जरूरत बहुत ही कम पड़ती है, यहाँ पे अपने आप ही सब काम हो जाते हैं इसलिए, और इसको उतना वक्त भी नहीं लगता। हमें पता है कि नासिक में एक मिंट है जहाँ पे नोट्स बनाए जाते हैं और आई थिंक कॉइन्स भी बनाए जाते हैं, तो और कलकत्ता भी है, बॉम्बे भी है, तो ये अलग अलग मिंट्स है, तो वहां पे भी आज मशीन में टेक्निक से कॉइन बनाए जाते थे। अभी शॉर्ट में बता देता हूँ
कि उस टाइम में आपको एक सवाल होगा कि उस टाइम में फिर अलग अलग रीजन्स के कॉइन या अलग अलग किंग्स के कॉइन अलग इसके मतलब आपके राज्यात मीन्स आपके राज्य चलते होंगे, ऐसे ही होते थे, ये शराब करते थे, ये शराब कॉइन्स लेते थे, उनका मेटल चेक करते थे, इसमें मेटल कितना है उसका वेट चेक करते थे और उसके एक्सचेंज में आपको इस रीजन के या इस किंग के कॉइन देते थे। तो इसमें बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती होगी, इसमें तो कुछ सवाल है नहीं। तो ये क्या करते थे, जब आपके पास ये कॉइन चेक करने के लिए तो ये सराफ मिंट मार्क भी लगाते थे, वैसे भी अलग अलग मिंट मार्क वो लगाते थे, कई बार उन्होंने वो मिंट मार्क साइड पे लगाए है, कट जाला अपन आने से मन तो उस पर, और कई बार ऊपर भी लगाए है ये बताने के लिए कि ये कॉइन मैंने चेक किया है। और जब ऐसे बहुत बार कॉइन चेक होता था तो उसका ऑफकोर्स उसका जो फेस है वो भी खराब होता होगा, तो उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती थी। तो ऐसी सारी बातें हैं, ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है एक्चुअली मिंट एडमिनिस्ट्रेशन और मिंट्स के बारे में, फिर भी ये जो है ये एन ई अकबरी में ये सब बताया गया है कि कॉइन्स कैसे बनते थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ मेटल गर्म वगैरह हो रहा है, यहाँ पे ये शीट बन रही है और यहाँ पे दिख रहा है कि मैंने जो बताया कि वो सैंड का लेकर उसमें वो गोल गोल प्लैंचेट बनाने के लिए तो ये काम ये लोग कर रहे हैं। तो उसके बाद यहाँ पे प्लैंस बना रहे हैं, ऐसे ये हमारा खेल है सिक्कों का जो हम पिछले दो दिनों से देख रहे थे एंड इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। आई वॉज फॉर टू जस्ट डिस्कस विथ यू ऑल और मुझे अच्छा लगा आप सबसे बात करके, आपके सवाल जानकर, आपके सवालों के जवाब देकर। और आई वुड लाइक टू थैंक आर के तलरेजा कॉलेज एंड ऑल द डिग्निटरीज, ऑल द मेंबर्स ऑफ द हिस्ट्री एसोसिएशन कि मुझे आपने ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं कुछ आपके सामने रख सकूं, आपको बता सकूं जो मुझे पता है। एक्चुअली इट इज मैं एक जानने वाला आदमी हूँ, एक दो लाइन है मेरे पहले से यहाँ पे था, मैंने कुछ प्रोड्यूस नहीं किया है, ये जो ज्ञान है ये मेरे पहले से यहाँ पे था, मैंने तो बस इसका संग्रह किया है। तो हु एम आई एम जस्ट अ कलेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कलेक्टर ऑफ कॉइन्स, बात सिर्फ यही है कि मैं ये आपको बता रहा हूँ और आशा करता हूँ कि ये जो बात है ये आगे भी आप किसी को बताएंगे और सिक्कों के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। और एक जरूर बताना चाहूंगा कि आपको अगर लाइफ में अच्छी तरीके से कुछ आपको फील करना है तो आप किस कोई भी हॉबी जो है उसे मतलब आप हॉबी कुछ रखिए, क्योंकि आप हॉबी अगर रखेंगे ना तो आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आता है और आप बहुत कुछ सीखते हैं उससे। तो बस इतना ही कहकर मैं अपना ये जो छोटा सा टॉक था जो मैंने देने की कोशिश की, आशा है कि आप सबको पसंद आया होगा। ओवर टू यू। आशुतोष सर धन्यवाद। इट वॉज अ मैराथन ऑफ 4 hours स्पैनिंग 2 days एंड वी थॉट दैट इट वॉज एन एम्पल टाइम 2 days, बहुत समय है, बहुत कुछ अच्छी तरह से आसानी से हो जाएगा। बट आई एम श्योर ऑन बिहाफ ऑफ पार्टिसिपेंट्स लेट मी टेल यू दैट ये दिल मांगे मोर, चार घंटे वॉज नॉट इनफ, बट वट एवर यू डिलीवर्ड वॉज एन एक्सलेंट डिलीवरी, स्पेशली ऑल द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ पॉइंट्स लाइक मिंटिंग एडमिनिस्ट्रेशन सिम्बल्स मोटिव्स दीज एस्पेक्ट्स फॉर्जरी दीज वर very beautifully handled by you, very illustrative the slides and images of the points that you showed us, shared with us, and I really congratulate you on these 2 sessions. Over to you Hema madam, aapne wahan pe. Yes madam, vote of thanks. Thank you Ashutosh sir. Today we started a little on a difficult note. We have a lot of connectivity problem and electricity problem, but we have successfully come to an end of the workshop on the second day. Sir spoke to us about the shapes of the coin, the weights of the coin, motifs of the coin, scripts and the legends that are there on the coin. Sir, हमारे साथ forgery of the coins के लिए भी बात करने वाले थे, but we are running short of time. And lastly, sir also spoke to us about the minting of coins. And as madam says, we were really, this is not the duration to learn within 2 days about the coins.
I wish we had a little more time so we could have learned more about the coins. I thank sir very much for sparing his valuable time and sharing with us all the information and knowledge that he has. I also thank Principal Madam, Vice Principal. I especially thank our HOD and the convener of History Association, Dr. Rupali Mokashi. I thank from the bottom technical part of this work, and as also always supported us. I thank Runai and Jaya, but not the least. I thank our dear students who are there with us, without whom the program would have been incomplete. Thank you, students. Thank you very much. Thank you, one and all. Thank you, Rupali Madam. Hello. Ma'am, Mike. Students, these two sessions have been properly recorded, and in due course of time, they will be uploaded on the YouTube channel of our college. So anytime in the future, you can go back to the videos and you can watch it. Aur wahan se aap seekh sakte hain. And thanks to Dr. Praveen Borkar sir, without his technical one man army, ye program was not possible, because he was today literally battling from one location to another, and because of connectivity, electricity, all issues. So is sabse sangharsh karne ke baad we've been very successful. Thank you, Praveen sir. Thank you, madam. And thank you very much. Thank you, everybody. I request all of you to just put on your video so that we can take an official snap. Sarvanni, aple video on kara. Students, yes, ma'am. Ashutosh sir, Hema ma'am. Everybody, please put on your videos. Okay, great. Okay, thank you. Thank you very much. Ma'am, Mike. Yes. Stay safe. Stay at home as far as possible. Use all the precautions. Wear your mask when you go out. And study, staying at home. Wish you all the best. And I wish you all a very good day. And we come to an end of this amazing session. I once again... Aur ek baat from my side. Yes, sir. Ki agar aapko in future bhi koi bhi help lagti hai sikko ke baare mein ya kisi bhi baare mein, तो आप फ्रीली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आपको कोई कॉइन आइडेंटिफाई चाहिए या और कुछ चाहिए, आप प्लीज कांटेक्ट कीजिए. आई विल ट्राई टू गिव माय बेस्ट इंफॉर्मेशन हो या कोई और भी टेक्निक हो. ओके, थैंक यू सो मच. ओके, थैंक यू. हैव अ गुड डे. बाय एवरीबॉडी. बाय मैम. थैंक यू मैम.